यस पील गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कैसे सब लोग होप्स so, बहुत बढ़िया रहेंगे मैं बता दू मैं भी बहुत अच्छा हूं तो जैसा कि आप लोगों के मैसेज आ रहे थे सर ट्रांसफर प्राइजिंग और इंटरनेशनल टैक्स के बाकी डाल ही दो चलो हम आपकी सुन रहे हैं और आपके लिए रिविजन लेक्चर लेके आए हैं और आज सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसफर प्राइजिंग एंड दिस टॉपिक इज गोइंग टू कवर अप्रोक्स एट टू टेन मार्क्स इन योर एग्जामेशन एट मार्क्स से टेन मार्क्स कवर करने वाला है सी ए फाइनल की अगर मैं बात करू और सिमिलर वे में आपका जो सीएमए वाले है सीएमए में भी ये टॉपिक है वो आता है और अगर आपका इलेक्टिव है सिक्स सी करके पेपर जो होता नहीं है नॉर्मली नॉर्मली लोगों का इकोनॉमिक लॉ होता है बट अगर मान लो आपका इलेक्टिव आपने सिक्स सी इंटरनेशनल टैक्सेशन ले रखा है तो उसमें ट्रांसफर प्राइजिंग टॉपिक है दैट इज गोइंग टू कवर द थर्टी मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन तो चलिए ट्रांसफर प्राइजिंग को रिवाइज करते हैं तो ट्रांसफर प्राइसिंग जो टॉपिक होता है ना उसकी चार्जिंग सेक्शन हुआ करती है है सेक्शन 92 92 है वो चार्जिंग सेक्शन होती है और सेक्शन 92 क्या बोलती है पता है है सेक्शन 92 ये बोलती है कि अगर मान लो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होता है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होता है बिटवीन असोसिएट एंटरप्राइज तो उसको आपको आर्म लेंथ प्राइस पे लेके आना पड़ेगा मिस इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन बिटवीन एसोसिएट एंटरप्राइज तो उसको आपको प्राइस पे लेके आना पड़ेगा ऐसा सेक्शन 92 बोलती है सबसे पहली चीज सर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऐसा ट्रांजेक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में ट्रांजेक्शन होता है उसमें एटलीस्ट वन नॉन रेजिडेंट होता है तो उस ट्रांजेक्शन को हम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन बोलेंगे तो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कहां लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है सेक्शन 92 टू बी और 92 बी का मतलब आप ऐसे याद

तीसरी चीज अगर मान लो एक नॉन रेजिडेंट और दूसरे नॉन रेजिडेंट के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ है क्या ये इंटरनेशनल इंटरनेशनल माना जाएगा आंसर इज यस इट विल बी ट्रीटेड एज ट्रीटेडक्शन लेकिन आप मुझे पूछेंगे कि सर दो नॉन रेजिडेंट आपस में कर रहे हैं उसमें हम क्यों इसको इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन मान रहे हैं और हम क्यों ट्रांसफर प्राइसिंग लगा रहे हैं एक बात समझना हो सकता है ये जो दो नॉन रेजिडेंट है इसमें से किसी एक नॉन रेजिडेंट की इनकम अगर इंडिया में टैक्सेबल होती है तो वो ट्रांजेक्शन आपका इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन माना जाएगा और उस पर ट्रांसफर प्राइसिंग लग जाएगा तो देखिए मैंने क्या बोला सबसे पहले इंटरनेशन

कि आपका ट्रांजेक्शन है ना वो किसी आउटसाइडर के साथ में हो रहा है जैसे फॉर एन एग्जांपल एक कंपनी है जिसका नाम है एक्स लिमिटेड एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड ये दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज है ये दोनों तो एसोसिएट एंटरप्राइज है इनके बीच में प्यार है लेकिन एक चीज समझना यहां पे क्या होता है एक्स लिमिटेड है वो ट्रांजैक्शन कर रहा है किसी ए लिमिटेड के साथ में जो रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट कोई भी हो सकता है वो अनरिलेटेड पार्टी है आउटसाइडर है और वो एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं है लेकिन एक चीज समझना ये इसके बीच में ट्रांजैक्शन जो हो रहा है एक एक्स लिमिटेड एक लिमिटेड एंड के बीच में जो दोनों आउटसाइडर है बोथ आर नॉट एसोसिएट एंटरप्राइज बट इनके बीच में जो ट्रांजैक्शन है ना वो भी तुम्हारा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन माना जाएगा अगर जो एक्स लिमिटेड का एसोसिएट एंटरप्राइज वाई लिमिटेड है वाई लिमिटेड के बीच में और तुम्हारा ए लिमिटेड जो अनरिलेटेड पार्टी है उसके बीच में अगर प्रायर अग्रीमेंट है अगर प्रायर अग्रीमेंट है इस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड मिस ट्रांजेक्शन के साथ में हो रहा है लेकिन बेटा आउटसाइडर के साथ जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वाला ट्रांजेक्शन है वो आपका डीम टू बी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन माना जाएगा और यहां पर आपका ट्रांसफर प्राइजिंग लग जाएगा तो मैंने आपको क्या बोला समझने की कोशिश करना ट्रांसफर प्राइजिंग कब लगता है जब इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होता है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन मिस

क्योंकि आप बोल रहे हो कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हुआ तो वहां पे आपका ट्रांसफर प्राइसिंग लग जाएगा ट्रांजेक्शन में सेल ट्रांजेक्शन हो सकता है परचेज का ट्रांजेक्शन हो सकता है लैंडिंग का 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 हो 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 सकता 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 है का हो सकता है है बोरोइंग प्रोविजन ऑफ सर्विस एज वेल एज अलोकेशन ऑफ कॉस्ट का ट्रांजेक्शन भी हो सकता है अलोकेशन ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जहां पे जैसे फॉर एन एग्जाम्पल एक मल्टीनेशनल कंपनी है Unilever. Unilever है वो यूके का ग्रुप है यूनिलिवर ने क्या किया कुछ इन्वेंशन किया कुछ शैंपू बनाया और वो शैंपो पे कॉस्ट इंकर किया टू करोड़ का और टू करोड़ जो इन्वेस्ट

है उस लव का नाम है एसोसिएट एंटरप्राइज लेकिन सर ये लव कब माना जाता है ये जो दोनों के बीच में प्यार है वो प्यार कब माना जाता है तो उसकी कुछ रिलेशनशिप दे रखी है और ये रिलेशनशिप दे रखी है अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर एक भी दिन ऐसा होता है पूरे प्रीवियस ईयर में तो दोनों के बीच में माना जाएगा प्यार है सबसे पहली रिलेशनशिप क्या है कि अगर एक एंटरप्राइज दूसरी एंटरप्राइज का ट्वेंटी और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग वोटिंग पावर रखती है तो दोनों एंटरप्राइज आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएगी मीन एक एंटरप्राइज किसी दूसरी एंटरप्राइज का ट्वेंटी और मोर का वोटिंग पावर रखती है तो दोनों आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएगी जैसे यहां पर मैंने एग्जाम्पल दे रखा है कि कंपनी है टाटा लिमिटेड टाटा लिमिटेड क्या करती है कि टाटा मोटर्स लिमिटेड में 33 परसेंट का शेयर होल्डिंग रखती है तो टाटा लिमिटेड एंड टाटा मोटर्स लिमिटेड दोनों एसोसिएट बन जाएगी क्योंकि 26% और मोर का वोटिंग पावर यहां पे हो गया, क्योंकि 33 है। लेकिन एक चीज समझना टाटा मोटर्स में 80% परसेंट का शेयर होल्डिंग रखती है तो क्वेश्चन और जेएलआर है वो एसोसिएट एंटरप्राइज मानी जाएगी yes. क्या कर रही है टाटा लिमिटेड जो है वो जेएलआर में 26% और मोर का शेयर होल्डिंग रख रही है कैसे क्योंकि उसका, उस होल्ड कर रही है तो थर्टी थ्री परसेंट का अगर आप एटी परसेंट करेंगे सो थर्टी थ्री परसेंट का अगर आप एटी परसेंट करेंगे इट्स कम्स टू ट्वेंटी सिक्स पॉइंट

अपॉइंट करते हो तो आप एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाओगे उसके बाद में अगर एक एंटरप्राइज है वो किसी दो एंटरप्राइज का किसी दो एंटरप्राइज में मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या वन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट करते हो तो वो दोनों एंटरप्राइज आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज है वो बन जाएगी अब एक और चीज समझना एक एंटरप्राइज क्या करता है दूसरी एंटरप्राइज को लोन देता है दूसरी एंटरप्राइज को लोन देता है और वो लोन कितना दे रहा है पता है पता दूसरी एंटरप्राइज के टोटल वैल्यू मीन टोटल बुक वैल्यू ऑफ असेट का 51 परसेंट और मोर का अगर लोन दिया जाता है तो दोनों एंटरप्राइज आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज एंटरप्राइज बन जाएगी वापस बोल रहा हूं एक क्या करती है दूसरी एंटरप्राइज को लोन देता है और वो लोन कितना है कि वो दूसरी एंटरप्राइज की जो टोटल, असेट बुक न, टोटल असेट की बुक वैल्यू है ना टोटल की बुक वैल्यू का अगर या उससे ज्यादा है तो दोनों आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएगी जैसे मैं एक एक्साम्पल लेता हूं मान लो ए एंटरप्राइज है वो बी एंटरप्राइज को लोन देते

को से बनाते हैं और मान लो हीरो का पूरा बिजनेस है वो उनके नोहाउ पे डिपेंड करता है तो हीरो और होंडा आपस में क्या माने जाएंगे एसोसिएट एंटरप्राइज माने जाएंगे एक और चीज समझना किसी भी एंटरप्राइज का अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है और मैन्युफैक्चरिंग में है और उसका टोटल जो रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट है उसका अगर 90% और मोर है वो एक ही एंटरप्राइज सप्लाई कर रही है आपकी जो टोटल रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट का 90 परसेंट और मोर है वो वन एंटरप्राइज है वो सप्लाई uh, कर रही है और वो अगर प्राइस को इन्फ्लुएंस करती है तो दोनों एंटरप्राइज आपस में क्या मानी जाएगी एसोसिएट एंटरप्राइज मानी जाएगी वापस से बोल रहा हूं मैंने क्या बोला किसी भी एंटरप्राइज का जो टोटल रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट है उसका नाइंटी और मोर इज सप्लाइड बाय द वन एंटरप्राइज एंड दैट एंटरप्राइज इन्फ्लुएंस द प्राइस इन दैट केस बोथ आर ट्रीटेड एज एसोसिएट एंटरप्राइज एक और चीज समझना एक एंटरप्राइज क्या करती है गुड्स को मैनुफैक्चर करती है और गुड्स को मैनुफैक्चर करने के बाद एक एंटरप्राइज दूसरी एंटरप्राइज को सेल

एंटरप्राइज बनते हैं लेकिन इनकेसनरशिप तो फॉर्म अगर 10% और मोर का पीएसआर हो जाता है तो दोनों आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएंगे करके ठीक है चलिए उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया देखो मैंने आपको बताया कि ट्रांसफर प्राइसिंग तभी लगता है जब दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए पहली कंडीशन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होना चाहिए इंटरनेशनल एंटरप्राइज एज अ नॉन रेजिडेंट तभी वो तुम्हारा इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन माना जाता है अब एक चीज समझता है ये का कहां दे रखा था? दे रखा था. तो नाइन टू ए एसोसिएट एंटरप्राइज नाइन टू बी मिस बाहर वाले ट्रांजेक्शन दैट इज द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अब एक बात

बोलते हैं तो कप मेथड कब लगती है तो कब मेथड कब लगती है कि जब आप एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ में जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो ना अगर सिमिलर ट्रांजेक्शन वहां पे अवेलेबल है सिमिलर मीनस कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन अगर अवेलेबल है तो उस पर्टिकुलर केस में आपकी कप मेथड लगती है जैसे फॉर एन एक्साम्पल मेरा इंडिया का एक कंपनी है और मेरा एक दुबई में भी एक कंपनी है और दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज है मैं इंडिया की कंपनी से दुबई की कंपनी को सेल करता हूं और मैं ऐसे ही क्या करता हूं सिमिलर गुड्स या सेम गुड्स है वो दूसरी कंपनियों को और सेल करता हूं तो यहां पे आपका अनकंट्रोल्ड जो है वो ट्रांजेक्शन अवेलेबल है जब कंपेरेबल अनकंट्रोल ट्रांजेक्शन अवेलेबल है तो उस पर्टिकुलर मेथड में आपको कप मेथड है वो फॉलो करना पड़ेगा और कप मेथड में ऑनलाइन प्राइस कैसे निकालने का तो देखो बड़ा सिंपल है कप मेथड में ऑनलाइन प्राइस निकालने के लिए सबसे पहले आप एक काम करिए कि जो अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन है जो आउटसाइडर के साथ ट्रांजेक्शन हो रहा है उसमें क्या प्राइस चार्ज कर रहे हो या प्राइस पे कर रहे हो पहले वो ले लीजिए एक और चीज ध्यान रखना आप पांचों मेथड में से जब भी आप ऑनलाइन प्राइस निकालोगे ऑनलाइन प्राइस निकालने के लिए हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि जब आपका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा ना वो स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा आपकी अनबायस प्राइस रहेगी अनबायस प्राइस या अनटेंटेड प्राइस या अनकंट्रोल्ड प्राइस है उसी से आप ऑनलाइन प्राइस निकालोगे क्योंकि आप अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ में जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो वो वाली प्राइस तो बायस प्राइस है

क्या आपने जो सेल किया है ना वो अनरिलेटेड पार्टी को सीआईएफ पे सेल किया है और अपनी जो रिलेटेड पार्टी है एसोसिएट एंटरप्राइज है उसको आपने एफओबी पे सेल किया ये सबसे फेवरेट एडजस्टमेंट होता है कि आपने अनरिलेटेड पार्टी को सीआईएफ पे सेल किया है और अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज को एफओबी पे सेल किया है और आपका इंश्योरेंस तो एंड करना है, को पे सेल किया है उससे आपको कम चार्ज करना चाहिए तो आप एक काम करिए उसको लेस कर दीजिए जो भी इंश्योरेंस एंड फ्रेट का खर्चा है उसको आप लेस कर दीजिए देखो लेकिन यह तभी करना है जब आपका यह सेल का ट्रांजेक्शन है और दूसरी चीज मैं बोल रहा हूं एसोसिएट एंटरप्राइज को आपने ओबी पे सेल किया है और आउटसाइडर को आपने सीआईएफ पे सेल किया है तब आपको क्या करना है इंश्योरेंस एंड फ्रेट का जो भी कॉस्ट है उसको आप लेस कर दीजिए लेकिन इसका उल्टा हो सकता है जैसे बहुत बार एग्जामिनर ऐसा दे सकता है कि आपने एसोसिएट एंटरप्राइज को सीआईएफ पे सेल किया और आउटसाइडर को एफ पे सेल किया तो यहां पर जो लेस हो रहा है उसकी जगह इंश्योरेंस एंड फ्रेट है वो आपको क्या करना पड़ेगा एड करना पड़ेगा दूसरी चीज, दूसरा एडजस्टमेंट बहुत बार ऐसा होता है कि सेल्स आफ्टर सपोर्ट आप दे रहे आउटसाइडर को आप सेल्स आफ्टर सपोर्ट दे रहे अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज को आप नहीं दे रहे तो जब अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज को नहीं दे रहे और जिसको आप सपोर्ट दे रहे उससे आप ज्यादा चार्ज करोगे तो एसोसिएट एंटरप्राइज से आपको कम चार्ज करना चाहिए तो आप एक काम करिए इसको भी आप लेस कर दीजिए

एक और पॉइंट ऐसा है कि क्रेडिट फैसिलिटी आपने एसोसिएट एंटरप्राइज को दी और बाकी को नहीं दी आप अपने एसोसिएट एंटरप्राइज को क्रेडिट फैसिलिटी दे रहे हो दो महीने का तीन महीने का तो उसमें आपकी क्रेडिट कॉस्ट भी आएगी तो आप एक काम करिए उसको आप एड कर दीजिए और ऐसे आप आपको ऑनलाइन प्राइस है वो आपको निकालना है कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड में तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यहां पर देखिए आप क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आता है ना आप पहले डायग्राम बना लीजिए आप क्वेश्चन को रफ में लिखिए कि कौन सा एंटरप्राइज है किसको सेल कर रहा है कितने में कर रहा है क्या कर रहा है प्राइस वगैरह आप पूरा लिख लीजिए और उसके बाद में आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपका इजीली क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा करके ठीक है चलिए तो मैंने आपको क्या बोला कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड या कप मैथड में क्या करना है सबसे पहले कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड जो ट्रांजेक्शन है उसमें क्या प्राइस चार्ज हो रही है पे हो रही है वो ले लीजिए और तुम्हारा जो अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन और एसोसिएट एंटरप्राइज वाला जो ट्रांजेक्शन है उसके बीच में क्या फंक्शनल डिफ्रेंसे है उसकी वजह से जो प्राइस में एडजस्टमेंट हो सकते हैं वो आप एडजस्टमेंट कर लीजिए आपको आम आमलिंग प्राइस मिल जाएगी उसके बाद में दूसरी मेथड होती है दैट इज द रीसेल प्राइस मेथड अब एक चीज समझना है ये रीसेल प्राइस मेथड कब लगती है जब आप क्या करते हो अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज से गुड्स को परचेस करते हो फॉरेन से और मान लो बाहर वापस क्या कर रहे हो मींस इंडिया में या आउटसाइड इंडिया आप उसको रीसेल कर रहे हो आउटसाइडर को

है वो आप ले लीजिए उसमें से आप एक काम करिए नॉर्मल जीपी मार्जिन जो आपके बिजनेस का है वो आप लेस कर दीजिए अब आप बोलोगे नॉर्मल जीपी मार्जिन कहां से लाए अगर मान लो आप सिमिलर ट्रांजैक्शन आउटसाइडर के साथ करते और मान लो परचेज भी अनरिलेटेड पार्टी से करते और सेल भी अनरिलेटेड पार्टी को करते तो क्या जीपी मार्जिन आप चार्ज करते वो जीपी आप सेल से लेस कर दीजिए

होती है इन द ंगलोर और पुणे में जहां पे सॉफ्टवेयर बनाया जाता है बहुत सारी इंडिया में ऐसी सब्सिडरी कंपनी है है वो क्या करती सॉफ्टवेयर को बनाती है और सॉफ्टवेयर बनाने के बाद वही सॉफ्टवेयर आप अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज को इंडिया के बाहर सेल कर देते हो तो आप सॉफ्टवेयर को बनाते हो और सॉफ्टवेयर बनाने के बाद आप अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज को इंडिया के बाहर सेल कर देते हो तो यहां पे कॉस्ट प्लस मेथड लगती है और कॉस्ट प्लस मेथड में नाम से पता चलता है सबसे पहले आपको क्या करना है आपकी कॉस्ट लेनी है क्योंकि आप जो अपने इन्फ्लुएंस तो 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 वाली है वो तो आपकी टेंटेड वाली है तो आपका जो अनटेंटेड क्या है कॉस्ट है तो सबसे पहले आपकी जो टोटल कॉस्ट होती है डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट उसकी आप टोटल ले लीजिए अब आप देखिए कि अगर आप ऐसे सिमिलर ट्रांजेक्शन आउटसाइडर के साथ करते तो कॉस्ट पे कितना प्रॉफिट चार्ज करते कॉस्ट पे कितना जीपी चार्ज करते तो आप उसमें एड ऑन कर दीजिए जीपी तो आपको आम लेंथ प्राइस मिल जाएगा लेकिन बहुत बार क्या होता है आपको जीपी से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट दे रखे होंगे आपको ऐसा दे रखा होगा कि एसोसिएट एंटरप्राइज से अगर आप सेल कर रहे हो तो एसोसिएट एंटरप्राइज जो है आउटसाइडर को सेल किया तो फॉर एन एग्जाम्पल आप कॉस्ट पे या सेल्स पे फिफ्टी जीपी ले रहे हो

बहुत बार ऐसा होता है ना कि कुछ एसोसिएट एंटरप्राइज क्या करती है काम है वो जॉइंट वेंचर में करते हैं तो जॉइंट वेंचर में जब आप काम करते हैं ना तो वहां पे आपको प्रॉफिट स्प्लिट मेथड फॉलो करना रहता है तो पहले आप एक काम करिए टोटल प्रॉफिट निकाल दीजिए और टोटल प्रॉफिट में से जो एंटरप्राइज का जितना रिलेवेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है उस कॉन्ट्रीब्यूशन के रेशियो में आप उस प्रॉफिट को स्प्लिट कर दीजिए कॉन्ट्रीब्यूशन कौन से बेसिस पर डिसाइड होगा कॉन्ट्रीब्यूशन डिसाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ द लाइक मैन पावर एम्प्लॉयड फंक्शन परफॉर्म एज वेल एज रिस्क टेकन करके यहाँ एनालिसिस रहता है और एफ एनालिसिस में

लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जो सबसे ज्यादा यूज होती है दैट इज द नेट मार्जिन मेथड अब एक और चीज समझना सर मान लो एक ही मेथड से आपके पास एक से ज्यादा ऑनलाइन प्राइस आई तो क्या होगा उससे पहले एक और चीज मैं बता दूं अगर ऑमलाइन प्राइस लेने से ट्रांसफर प्राइसिंग में आमलाइन प्राइस लेने से अगर इंडिया में प्रॉफिट कम हो जाता है या इंडिया में लॉसेस बढ़ जाते हैं तो बेटा ट्रांसफर प्राइसिंग टॉपिक ही नहीं लगेगा

मीन्स इनके बीच में जो डिफरेंस है दैट इज अपू थ्री परसेंट ऑफ एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस अगर थ्री परसेंट तक का ही डिफरेंस है तो तो आप एक काम करिए इस एवरेज ऑमलाइन प्राइस को छोड़ दीजिए और आपकी एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस है वो ही प्राइस मान ली जाएगी लेकिन अगर मान लो ये डिफरेंस है वो आपका थ्री परसेंट से ज्यादा है तो उस पर्टिकुलर केस में ये एवरेज आमलैंग प्राइस है आप मुझे बोलेंगे होलसेल ट्रेडिंग किसको बोलते हैं तो होलसेल ट्रेडिंग किसको बोलते हैं कि जिसमें आपकी जो टोटल परचेज कॉस्ट है टोटल आपकी जो टोटल कॉस्ट होती है उस टोटल में आपके फिनिश गुड्स की परचेज कॉस्ट है वो एटी या उससे ज्यादा होनी चाहिए

में है होलसेल ट्रेडिंग में एक और बात समझना ये एवरेज आमलिंग प्राइस आपको कब करने का है? जब आपका पांच या पांच से कम आमलिंग प्राइस है अगर आपका सिक्स या उससे ज्यादा है तो क्या करने का अभी मैं आपको बताता हूं रेंज कॉन्सेप्ट है वो आएगा उसके बाद मैं एक सेक्शन हुआ करती है 92 सी सब सेक्शन थ्री ये सेक्शन ये बोलती है के बेटा चार ऐसे केसेस जिसमें आपकी ऑनलाइन प्राइस है वो असेसिंग निकालेगा। मिस असेसिंग ऑफिसर ऑफिसर निकालेगा मींस आपकी ऑनलाइन प्राइस निकालेगा आपने जो भी बताया होगा वाला कैंसिल आपकी ऑनलाइन प्राइस असेसिंग ऑफिसर निकालेगा सबसे पहले अगर आपने मोस्ट अप्रोप्रियट मेथड फॉलो नहीं की या फिर आपने ऑनलाइन प्राइस निकालने के लिए जो डेटा यूज किया है वो डेटा आपका रिलायबल नहीं है करेक्ट नहीं है आप रिलायबल डेटा यूज नहीं कर रहे हो करेक्ट डेटा यूज नहीं कर रहे हो जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में हम क्या करते हैं प्रोवेस एंड कैपेटलाइन दो डेटाबेस होते हैं जो नॉर्मली यूज करते हैं और सीबीडीटी उन डेटाबेस को रिकॉग्नाइज करती है मानती है तो अगर अपन प्रोवेस कैपेटलाइंस जो डेटाबेस है वो यूज किया है तो चलता है अगर आपने कोई भी डेटा जो ऐसा यूज किया जो रिलायबल नहीं है करेक्ट नहीं है तो उस पर्टिकुलर केस में आपकी ऑनलाइन प्राइस असेसिंग ऑफिसर निकालेगा

हर देने के बाद आपकी आमलैंग प्राइस है वो असेसिंग ऑफिसर निकालेगा अब एक और चीज समझना असेसिंग ऑफिसर अगर आपकी आमलैंग प्राइस निकालता है तो क्या होगा अब असेसिंग ऑफिसर आपकी आमलैंग प्राइस निकालता है तो पहली चीज तो ये कि असेसिंग ऑफिसर ने अगर कोई भी इनकम बढ़ा दी तो उस इनकम के सामने आपको डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स से नहीं मिलेगा या टेन डबल का डिडक्शन नहीं मिलेगा जो एनहांस इनकम दिखा गई तो इनकम रहेगी उसके सामने आपको अंडर चैथिं 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 नहीं मिलेगा और दूसरी चीज एक बात समझना अगर आपकी निकाली और उसकी वजह से आपकी इनकम चेंज हुई बट आपके एसोसिएट एंटरप्राइज की इनकम चेंज नहीं होगी इंटैक्ट रहने वाली है उसकी इनकम चेंज नहीं होगी जैसे फोर एन एग्जाम्पल हुआ क्या कि मेरी इंडिया की कंपनी है मैंने फॉरन की कंपनी को रॉयल्टी दिया था वन करोड़ का और यहां पे 1000 करोड इंडिया में मैंने एक्सपेंडिचर क्लेम किया था अब हुआ क्या 1000 करोड़ का जो रॉयल्टी दिया वो आगे वाले के लिए 1000 करोड़ टैक्सेबल होगा लेकिन यहां पे प्राइस निकाली और असेसिंग ऑफिसर बोलता है कि है कि रॉयल्टी का प्राइस वो 700 करोड़ होना चाहिए तो मेरे पी एंडल के डेबिट में ओनली सेवन करोड़ गया लेकिन तो भी टैक्सेबल उसके हाथ में पूरा वन करोड़ होगा मीस असोसिएट एंटरप्राइज का कुछ भी चेंज नहीं होगा असोसिएट एंटरप्राइज की इनकम है वो पूरी आपकी वन करोड़ ही रहेगी तो तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एक से ज्यादा लेंथ प्राइस आती है टू और मोर बट लेस देन सिक्स तो आपको क्या करना है वो एवरेज करना है और प्लस माइनस थ्री परसेंट का टॉलरेंस बैंड वन परसेंट होलसेल ट्रेडिंग वो अपन देख चुके हैं लेकिन अगर मान लो लेंथ प्राइस आपके पास सिक्स या उससे ज्यादा आ जाए तो अगर आपके पास आमलाइन प्राइस है वो सिक्स या उससे ज्यादा आ जाती है तो आपको वहां पे रेंज कॉन्सेप्ट फॉलो करना पड़ेगा और निकालते हैं तो पहली चीज तो मैं आपको बता दू रेंज कॉन्सेप्ट तभी लगेगा जब आप ये चार मेथड फॉलो कर रहे हो या तो कप मेथड रीसेल प्राइस मेथड कॉस्ट प्लस मेथड या टीएनएमएम इन सिंपल बट ऐसा बोल दू प्रॉफिट स्प्लिट मेथड केस में रेंज कॉन्सेप्ट नहीं लगता प्रॉफिट स्प्लिट मेथड में रेंज कॉन्सेप्ट नहीं लगता चार मेथड में ही लगेगा वन इज द कप मेथड आरपीएम मेथड सीपीएम मेथड 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 एंड ये जो चार है इसके केस में ही आपको रेंज लगेगा और रेंज कॉन्सेप्ट तभी लगेगा जब आपके डेटा सेट में टोटल सिक्स या उससे ज्यादा आमलैंग प्राइस है अगर सिक्स से कम है तो तो आप एक काम करिए वो आपका प्लस माइनस थ्री एवरेज करना है वो आप कर लीजिए जो अभी अपन ने सीखा था लेकिन अगर आपके डेटा सेट में सिक्स या उससे ज्यादा प्राइस है तो वहां पर आपको रेंज कॉन्सेप्ट है वो लगेगा अब आपके रेंज कॉन्सेप्ट में आपको क्या करने का जैसे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस है वो 150 है लेकिन आपने जो आम लेंथ प्राइस निकाली वो टोटल आम लेंथ प्राइस आपके पास सेवन आम लेंथ प्राइस है मिस 162, 158, 136, 145, 170, 152, 154. टोटल आपके पास सेवन आम लेंथ प्राइस आ गई देखो फाइव या फाइव से कम आई होती तो, तो अपन क्या करते है? उसको एवरेज कर लेते लेकिन यहां पे सिक्स या उससे ज्यादा है तो आपको क्या करना पड़ेगा यहां पे आपको रेंज कॉन्सेप्ट फॉलो करना पड़ेगा रेंज कॉन्सेप्ट में सबसे पहला काम क्या होगा पता है जितनी भी ये प्राइजेस है इस प्राइजेस को पहले आप एक काम करिए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी रहे उनको पता रहेगा आरोही क्रम तो आप एक काम करिए जितनी भी प्राइजेस है सबसे पहले उसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लीजिए इसको अरेंज कर लीजिए आरोल क्राम का मतलब होता है जो छोटे से बड़ा वाला तो सबसे पहले हमने क्या किया 136 है वन सबसे छोटी क्या किया असेंडिंग ऑर्डर में प्राइस अरेंज कर लिया तो जो भी है, उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए उसके बाद आपको क्या करना है कि जो डेटा सेट में जितने नंबर है उन नंबर्स का सबसे पहले आपको थर्टी फाइव परसेंटाइल लेना है थर्टी फाइव परसेंटाइज का मतलब होता है कि आप 35 जो इतने डेटा सेट में नंबर है मल्टीप्लाई बाय थर्टी फाइव डिवाइड बाय हंड्रेड कर लीजिए तो आप थर्टी फाइव परसेंटाइज लीजिए तो हमारे पास डेटा सेट में टोटल कितने नंबर थे 7 थे तो सेवन का थर्टी फाइव परसेंटाइज आप करते हैं तो सेवन का थर्टी फाइव इज टू पॉइंट फोर फाइव आया अब एक बात समझना जब भी आप परसेंटाइल करते is not a whole number. आप क्या करेंगे यहां पर जो थ्री है इस 3 को कर लेंगे। और बेटा जो थ्री के सामने वैल्यू दे रखी है यहां से आपकी रेंज स्टार्ट होगी यहां से आपकी जो रेंज है वो स्टार्ट होगी अब आप एक काम करिए उसका सिक्सटी फाइव परसेंटाइल करिए तो टोटल डेटा सेट में सेवन नंबर है तो सेवन का अगर आप सिक्सटी फाइव परसेंटाइल करते हैं फोर पॉइंट फाइव फाइव आ जाता है और जब भी ये होल नंबर नहीं है तो आपको उसका नेक्स्ट नंबर है वो पिक करना है तो फोर पॉइंट फाइव फाइव इज नॉट अ होल नंबर तो आप एक काम करिए फाइव को पिक कर लीजिए और फाइव के सामने जो संख्या दे रखी है मीन जो ऑनलाइन प्राइस दे रखी है दैट इज द वन तो यहां पर बेटा थर्ड से लेके और फाइव जो है इसमें जो नंबर दे रखिये जो वैल्यूज दे रखी है दैट इज कॉल्ड योर रेंज तो यहां पे अपने को रेंज मिल गई और रेंज क्या मिल गई आपकी पता है वन थर्टी सिक्स से लेके और वन सेवेंटी है ये आपकी रेंज मिल गई अब एक चीज समझना आपकी एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस है अगर वो इस रेंज में आ जाती है आपकी जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस है वो अगर इस रेंज में आ जाती है तो तो जो आपकी एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस है वो ही लेंथ प्राइस है जैसे इस एग्जाम्पल में मैंने एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस है क्या 150 इस में आ रही है वो ही है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपका है वो इस रेंज में नहीं आता तो आपको क्या करना पड़ेगा यहां पे मीडियम लेना पड़ेगा परसेंटाइल लेना पड़ेगा तो आप 50 परसेंटाइल कैसे लेंगे फॉर एन एग्जांपल एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस है वो आपका 120 होता तो वो इस रेंज में नहीं आ रहा तो आप जो डेटा सेट में नंबर है टोटल कितने सेवन है तो सेवन का अगर आप फिफ्टी परसेंटाइज लेतेम्स और थ्री पॉइंट फाइव इज नॉट अ होल नंबर और जब ये होल नंबर नहीं है तो आपको क्या करना है उसका नेक्स्ट नंबर पिक करना है तो नेक्स्ट नंबर फोर आता फोर के सामने वन दे रखा है वन योर फाइव ऑनलाइन प्राइस अब एक और चीज समझना प्राइस आ आगे अब यहां पे क्या वो प्लस माइनस थ्री का टॉलरेंस बैंड लगाना है नहीं लगाना आंसर इज नो वो प्लस माइनस थ्री का टॉलरेंस बैंड तभी लगता है जब आप एवरेज ऑनलाइन प्राइस लेते हैं है, मिस फाइव से कम है, तब वो लगता है यहां पर नहीं लगता तो देखिए मैंने क्या बोला आमलैंग प्राइस में अगर आपके पास सिक्स या सिक्स से ज्यादा ऑनलाइन प्राइस है तो यहां पे आपको रेंज कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा प्रॉफिट स्प्लिट मेथड को छोड़ के बाकी वाली चार मेथड में लेकिन रेंज कॉन्सेप्ट में क्या करना है जितनी भी आपके आमलाइन प्राइज है सबसे पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए उसके बाद में सबसे पहले आप थर्टी फाइव परसेंटाइज निकालिए उसके बाद सिक्सटी फाइव परसेंटाइल निकालिए तो थर्टी फाइव परसेंटाइज एंड सिक्सटी फाइव परसेंटाइल है वो आपकी एक रेंज मिल जाएगी जब भी आप जब थर्टी फाइव परसेंटाइल करते हैं सिक्सटी फाइव परसेंटाइल करते हैं अगर जो आपका नंबर आता है वो होल नंबर नहीं है तो आपको उसका नेक्स्ट नंबर है वो पिक करना है उसका जो नेक्स्ट नंबर है वो आपको पिक करना है और अगर आपकी लेंथ प्राइस जो है, है, वो अगर उस में हो जाती है तो मीडियम तो लेना पड़ेगा मीडियम मतलब लेना पड़ेगा लेकिन एक चीज समझना मैंने आपको बोला मान लो आप थर्टीटल करते हैं या फिर सिक्सटी फाइव परसेंटाइल करते हैं है, तो उसका नेक्स्ट नंबर लेना है लेकिन अगर होल नंबर आ गया तो क्या करना है जैसे दूसरा एग्जाम्पल दूसरे एग्जांपल में आपके पास टोटल ट्वेंटी है तो ट्वेंटी का 35 परसेंटाइल आपका 7 आ गया तो 7 के सामने जो नंबर दे रखा है दैट इज द 119 अगर 7 इज होल नंबर तो 7 होल नंबर मींस क्या मेरा रेंज 119 से स्टार्ट होगा आंसर इज नो देखो अगर ये होल नंबर नहीं आता तो तो अपन क्या करते नेक्स्ट नंबर लेते बट अगर होल नंबर आ जाता है इज़ अ होल नंबर ना तो अगर होल तो नंबर क्या करना है? उस के आगे जो दे रखी है, उसके है दोनों का आपको एवरेज लेना है यहां पे 119 120 का 119 तो आपकी रेंज स्टार्ट होगी वो 119.5 से होगी उसके बाद जब आप करेंगे

प्लस मेथड या ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड में आप आर्म लेंथ प्राइस परसेंटेज फॉर्म में दे रखा होगा आपको हमेशा कॉस्ट प्लस मेथड में भी आप क्या करेंगे जो आपके जो कंपटीटर रहेंगे आपकी जो सेम इंडस्ट्री के लोग रहेंगे उनका प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा होगा जीपी मार्जिन दे रखा होगा एनपी मार्जिन दे रखा होगा तो परसेंटेज फॉर्म में दे रखा होगा तो उसमें आपको क्या करना है मल्टीपल ईयर के डाटा का एवरेज लेना है अब ये कैसे लेना है क्या लेना है आपको वेटेड एवरेज लेना है वेटेड एवरेज कैसे लेंगे तो वेट किसका देंगे तो अगर आप कॉस्ट प्लस मेथड फॉलो करते हैं अगर ठीक है तो आपको जितनी कॉस्ट इंकड़ होती है ना उसका वेट दिया जाएगा अगर आप रीसेल प्राइस मेथड फॉलो करते हैं तो जो भी आपका सेल क्वांटम रहता है सेल्स वैल्यू रहती है उसका वेट दिया जाएगा अगर आप टीएनएमएम फॉलो करते हैं तो उसमें कॉस्ट इंकड है सेल्स है या फिर असट एम्प्लॉय डिपेंड करेगा जो आपको एग्जाम में डेटा किस चीज का दे रखा है इसका एक एग्जाम्पल लेंगे तो एग्जाम्पल से समझ में आएंगे जैसे हुआ क्या एक बात समझिए यहां पर मान लो ये सात आमल प्राइस है सात अलग अलग जो है कॉम्पिटेटर है जो अपनी इंडस्ट्री के है, उनका डेटा दे रखा है तो सात लोग है, जो आउटसाइडर है उनका हमको पता कॉस्ट प्लस मैथड फॉलो करते हैं तो में क्या करते हैं अपना प्रॉफिट परसेंटेज नहीं लेंगे ना अपन तो देखेंगे ना बाकी वाले लोग क्या कॉस्ट पे कितना प्रॉफिट एड कर रहे है? तो जो कॉम्पिटेटर है सेम इंडस्ट्री के लोग है वो कॉस्ट पे कितना प्रॉफिट एड कर रहे है? तो मेथड में नॉर्मली दूसरों का परसेंटेज अपन कैसे उसके लिए फॉर्मूला बना ओपी डिवाइड ओसी ओपी मीस ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाई ऑपरेटिंग कॉस्ट तो पता चला कि एक बात समझिए जैसे मान लो करंट ईयर में हमारा जो कोई कॉम्पिटेटर है जिसका ए नाम है तो ए के साथ में जो ट्रांजेक्शन हुआ है आउटसाइडर के साथ में उसमें ओपी है वो 35 है एंड तुम्हारा ओसी जो है वो तुम्हारा टू ट्वेंटी लास्ट ईयर में हुआ था जिसमें ओपी टेन था और ओसी जो था वो तुम्हारा वन फिफ्टी था उसके लास्ट टू लास्ट ईयर में हुआ था ओपी ट्वेल्व था ओसी है वो हंड्रेड था आपको क्या करना है इस साल में वेटेड एवरेज लेना है तो वेटेड एवरेज ऑनलाइन प्राइस निकालने के लिए आपको क्या करना है पता है पहले आप एक काम करिए ओपी ओपी को एड कर दीजिए

अब आप वापस से वो प्रैक्टिस करिए थर्टी फाइव परसेंटाइल सिक्सटी फाइव परसेंटाइल एंड ऑल एंड अगर आप जो प्रॉफिट बता रहे हैं कॉस्ट प्लस अगर वो उस रेंज में फंस जाता है तो आपका प्रॉफिट है वो ऑनलाइन प्राइस है अदरवाइज आपको मीडियम लेना पड़ेगा और जो भी मीडियम आता है वो आपका फिर ऑनलाइन प्राइस है वो हो जाएगा यू गॉट माई पॉइंट ऑन नॉट यस दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेंज कॉन्सेप्ट उसके बाद में एक सेक्शन आती है नाइनटी टू सी ए नाइनटी टू सी ए क्या बोलती है रेफरेंस टू द ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर अब एक बात समझना

गा आपसे डॉक्यूमेंटेशन मंगवाएगा एविडेंसेज है वो गैदर करेगा

वो फिर एओ को मिलेगा लेकिन TPO का order, क्या एगा यानी आंसर टीपीओ है तो टीपीओ काज बाइंडिंग टू द असेसिंग ऑफिसर अब क्वेश्चन यहां पर आता है कि टीपीओ अपना कब तक बनाएगा तो टीपीओ को अपना कब तक बनाना पड़ेगा बताए के पास में जो असेसमेंट कंप्लीशन का टाइम लिमिट रहता है जैसे वन फोर्टी थ्री थ्री एंड वन फोर्टी फोर में यू नो दैट ट्वेल्व फ्रॉम द एंड ऑफ द रिल

ही आता है टीपीओ कौन होता है तो टीपीओ कोई भी कमिश्नर है डेप्यूटी है असिस्टेंट कमिश्नर का का है और एक और बात बता दू थर्टी जो टीपीओ का प्रोसेस है ना वो पूरा फेसलेस हो जाएगा सो इन फ्यूचर जो है वो टिल थर्टी फर्स्ट मार्च टू तक टीपीओ का जितना भी काम है वो पूरा फेसलेस हो जाएगा उसके बाद में कॉन्सेप्ट आता नाइन टू सीबीटी टू इज रिलेटेड टू सेफ हार्बर रूल सेफ हार्बर रूल क्या होता है है कि सीबीडीटी के पास ये पावर है कि सीबीडीटी कुछ ऐसे रूल्स बना सकती है जिसमें आप जितना प्राइस बताओगे वो डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कर लेगा फॉर एग्जाम्पल आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हो और आपने कॉस्ट पे 18 परसेंट प्रॉफिट बता दिया तो डिपार्टमेंट उसको एक्सेप्ट कर लेगा ऐसे रूल्स बना सकती है सीबीडीटी आप बोलोगे सीबीडीटी ने क्या सेफ हार्बर रूल्स बनाए थे आंसर इज यस बनाए थे बट फॉर योर एग्जामिनेशन स्टिल नॉट नोटिफाइड आपके एग्जाम के लिए अभी तक नोटिफाई नहीं हुए इन फ्यूचर में अगर आपके एग्जाम के लिए नोटिफाई होते हैं सेफ हार्बर रूल तो आप टेंशन मत लीजिए मैं आपके लिए उसके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा उसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में चलते हैं दैट इज द एडवांस प्राइजिंग अग्रीमेंट जिसको मैं अपा बोलूंगा बार बार अपा एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट अब चीज समझना ट्रांसफर प्राइसिंग में एक बात बताइए जब इतने कॉम्प्लिकेशन है तो ट्रांसफर प्राइसिंग में डिस्प्यूट ज्यादा होते होंगे या कम होते होंगे ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होते होंगे तो वो डिस्प्यूट को कम करने के लिए सीबीडीटी और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सेक्शन डाली 92 सीसी दैट इज रिलेटेड टू द अपा एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट

वो मेथड वो फाइव मेथड जो हमने देखी थी उसमें से हो सकती है या फिर हो सकता है कोई सिक्स मेथड है उसका इन्वेंशन कर ले या तो फिर हो सकता है वो फिफ्थ में से किसी भी मेथड का मॉडिफिकेशन वगैरह किया जा सकता है और आपके साथ में अग्रीमेंट में एंटर किया जा सकता है और एक बात बताओ उससे बड़ा क्लियरिटी हो जाएगा

इन रिलेशन टू द अप्पा में एंटर कर सकती है इन रिलेशन टू द अपलैंड प्राइस

करने वाला रिलेटेड टू अपा रिलेटेड टू लेंथ प्राइस निकाली जाएगी और स्पेसिफाइन द मैनर इन विच टू बी डिटर उससे रिलेटेड आप अप्पा में में है वो अप्पा में एंटर कर सकते हैं एक और चीज समझना सर अपा में एंटर करने के लिए क्या हमको एप्लीकेशन करनी पड़ेगी या सीबीडीटी है वो खुद ही आपको बोलेगी आओ आओ तुमको अप्पा में डालते हैं आंसर आपको एप्लीकेशन करनी पड़ेगी अगर आपको को अप्पा में एंटर करना है तो असएससी को एप्लीकेशन करना पड़ेगा सीबीडीटी को एक और चीज समझना अपा में जो आप एंटर कर सकते हो ना वो सिर्फ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कर सकते हो

आप अपा में जो है वो फाइव इयर्स कवर करा सकते हैं मैक्सिमम फाइव ईयर है वो आप कवर करा सकते हैं जैसे एन आज मैं अपा में एंटर करने के लिए application करता हूं, तो मैं कौन से year लूंगा? तो जब एप्लीकेशन कर रहा हूं तो एक तो ये वाला ईयर लूंगा और उसके आगे के चार साल और ले लूंगा सो इन प्रीवियस ईयर मैं एग्जाम्पल लेता हूं जैसे प्रीवियस ईयर ट्वेंटी टू प्रीवियस ईयर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सेवन तो आप के लिए आप अपा में एंटर, कर सकते हैं क्या हम फोर इयर्स के लिए कर सकते हैं आंसर इज यस कर सकते हैं थ्री इयर्स के लिए कर सकते हैं आंसर इज यस बट मैक्सिमम फाइव है वो फाइव कॉन्जीगटिव इयर्स के लिए आप अप्पा में एंटर कर सकते हैं एक और चीज समझना अगर आप अपा में एंटर हो गए आप अपा में एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट बन गया आपका और डिपार्टमेंट के बीच में तो वो अग्रीमेंट किस पर्सन पे है और दूसरा टैक्सिटी वो डिपार्टमेंट ऐसा नहीं बोलते सीबीडी सीबीडीटी एंटर कर रही है और एंटर करती है विद द परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेती है सीबीडीटी और सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेने के बाद में सीबीडीटी एंटर करती है तो यहां पर बेटा जो आपका असेसिंग ऑफिसर है और जो कमिश्नर लेवल के ऑफिसर रहते हैं सीआईटी पीसीआईटी लेवल तक उन पे अपा बाइंडिंग होगा वो ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं हम तो अपा को नहीं मानेंगे अरे यार तुमने एंटर किया है तुम मिल बैठ के एंटर किया है तो भैया मिल बैठ के एंटर किया है तो कैसे आप अप्पा को नहीं मानोगे आपको मानना ही पड़ेगा एक और चीज समझना अगर मान लो अपा में एंटर कर दिए अपा इज एप्लीकेबल फॉर द मैक्सिमम फाइव ईयर फाइव ईयर के लिए अपा एप्लीकेबल होता है अब एक बात समझना अपा फाइव कॉन्जीगेटिव के लिए एप्लीकेबल होता है लेकिन बीच में कोई भी अगर फैक्ट में चेंज हो गया या फिर लॉ में चेंज हो गया तो फिर अप्पा बाइंडिंग नहीं होगा अपा बाइंडिंग होता है एसएससी पे एज वेल एज द डिपार्टमेंट पे टू द लेवल ऑफ सीआईटी पीसीआईटी बट इफ देर इज अ चेंज इन लॉ और फैक्ट तो उस पर्टिकुलर केस में अप्पा जो है वो बाइंडिंग नहीं होगा एक और चीज समझना अगर फ्यूचर में सीबीडीटी को पता चलता है कि आपने अपा में एंटर किया था और वहां पर मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट है या फ्रॉड करके आपने अपा में एंटर किया तो उस पर्टिकुलर ईयर में क्या होगा उस पर्टिकुलर केस में सीबीडी के पास पावर है कि वो आपके अपा को वॉइड इनिशियो डिक्लेयर कर सकती है वॉइड इनिशियो का मतलब होता है जैसे अपा में आप एंटर किए ही नहीं थे वैसा सीबीडी कर सकती है एक और चीज समझना सर अपा में कितने ईयर कवर कर सकते हैं पता है मैक्सिमम फाइव लेकिन इसमें एक और ऑप्शन होता है दैट इज द रोल बैक अगर आप चाहे तो आप रोल बैक प्रोविजन के लिए और अपा में एंटर कर सकते हैं मीन यहां पर क्या कर सकते हैं ये जो फाइव ईयर है ये फाइव ईयर तो है ही है इसके अलावा आप फोर प्रीसीडिंग ईयर और कवर कर सकते हैं मिस अप्पा जो है वो फॉर एन फाइव ईयर्स के लिए एंटर किया बट बैक भी ले सकते मतलब हैं है? और फोर मैक्सिमम कवर कर सकते हैं so आप नाइन ईयर्स के लिए अपा में एंटर कर सकते हैं फाइव ईयर्स फॉर द अप्पा ईयर एंड फोर ईयर फॉर द रोल बैक ईयर तो यहां पर बेटा आप चाहे तो ये रोल बैक वाले ईयर और कवर कर सकते हैं दैट इज द आपका प्रीवियस इक्कीस बाईस प्रीवियस ईयर आपका बीस इक्कीस प्रीवियस ईयर आपका नाइनटीन ट्वेंटी एंड प्रीवियस ईयर आपका एटीन नाइनटीन है ये ईयर और आप कवर कर सकते हैं इन ईयरस को बोला जाता है बेसिकली रोल बैक ईयर करके ठीक है लेकिन एक और चीज समझना अब एक और चीज समझना जब भी आप रोलबैक के लिए जाते हैं ये जो चार रोल बैक ईयर है ये रोल बैक ईयर आपको तभी मिलेंगे जब उसमें कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी पहली कंडीशन तो यह है कि बेटा ये रोल बैक वाले ईयर जो है ना उसमें आपको तभी रोल बैक वाले ईयर मिलेंगे जब आप यहां पे जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर रहे हो और जो आप रोल बैक वाले ईयर में इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन किया था वो ट्रांजेक्शन आपका सेम होना चाहिए पहली चीज तो ये भैया आप जो यहां पे जो ट्रांजैक्शन कर रहे हो अपा वाले ईयर में और रोल बैक वाले ईयर में जो ट्रांजैक्शन किया था वो रोल बैक वाले ईयर में ट्रांजैक्शन सेम थे सिमिलर ट्रांजैक्शन थे करके ठीक है तभी आप रोल बैक वाले ईयर के लिए आप अप्पा में एंटर कर सकते हैं दूसरी कंडीशन ये होती है कि भैया ये वाले जो ईयर थे ना रोल बैक वाले इन ईयर में आपने रिटर्न फाइल किया था और रिटर्न आपने ड्यू डेट से वन थर्टी नाइन वन की ड्यू डेट से पहले पहले फाइल किया था

क्या आप इसमें से चूज कर सकते हैं कि नहीं नहीं चार में से मुझे सिर्फ इन दो इयर्स के लिए आप रोल बैक दे दीजिए और ये दो ईयर के लिए मुझे रोल बैक नहीं चाहिए क्या ऐसा चूज कर सकते पिक एंड चूज आंसर इज नो मेकर्स बोलते हैं कि आपको ऑल फोर इयर्स के लिए रोल बैक में जाना चाहिए

यहां लॉ मेकर्स बोलते हैं कि दो केसेस में आप अपा में सॉरी रोल बैक में एंटर नहीं हो सकते दो केसेस में वो दो केसेस कौन-कौन से मींस आप दो केसेस में उस ईयर के लिए आप रोल बैक में एंटर नहीं हो सकते कौन-कौन से दो केसेस पहला केस तो ये कि अगर मान लो किसी ईयर का आपका कोई भी केस पेंडिंग था और वो पेंडिंग था आईटेट लेवल पे मींस अगर आईटेट लेवल पे पेंडिंग था और उसका जजमेंट आ गया है ईटेट लेवल पे पेंडिंग था और उसका जजमेंट आ गया तो उस ईयर के लिए आपको रोल बैक नहीं मिलेगा वापस बोल रहा हूं मैं अगर ये चार साल में से किसी ईयर का केस है वो पेंडिंग था वो आई में पेंडिंग था और आई का जजमेंट ऑलरेडी आ चुका है उस मैटर पे तो उस पर्टिकुलर केस में उस ईयर का आपको रोल बैक नहीं मिलेगा और दूसरी चीज ये कि अगर मान लो आप किसी भी ईयर पे जब आप रोल बैक ले रहे हो और रोल बैक की वजह से रोल बैक की वजह से आपको अप्पा में एंटर हुए रोल बैक ईयर में तो वहां पे हुआ क्या आपका अगर मान लो अपा की वजह से मीन रोल बैक में अप्पा की वजह से आपकी इनकम कम हो रही है या फिर लॉसेस बढ़ रहे हैं एज कंपेयर टू योर रिटर्न इनकम तो उस पर्टिकुलर ईयर के लिए आपको रोल बैक नहीं मिलेगा तो देखिए मैंने आपको क्या बोला कि रोल बैक में बेटा आपको दो केसेस में नहीं मिलेगा पहला तो अगर आपका कोई केस था वो आईटेट में पेंडिंग था और आईटेट का ऑलरेडी जजमेंट आ चुका है तो नहीं मिलेगा और दूसरी चीज हुआ क्या कि रोलबैक प्रोविजन की वजह से मान लो किसी ईयर की इनकम जो है वो इनकम आपकी जो है वो कम हो रही है या फिर आपके लॉसेस बढ़ रहे हैं उस रोल बैक की वजह तो उस पर्टिकुलर ईयर के लिए आपको जो है वो रोल बैक नहीं मिलेगा आप मुझे बोलोगे कि सर फिर हम क्यों जाएंगे फिर हम क्यों ही जाएंगे रोल बैक में जब रोल बैक की वजह से आपकी इनकम जो है वो ब, आ, कम हो रही है या लॉसेस बढ़ रहे तो उस ईयर के लिए रोल बैक जो है वो मिलेगा ही नहीं तो फिर क्या हम इनकम बढ़वाने के लिए रोल बैक में जाएंगे आंसर इज नो यहाँ पे लॉमेकर्स बोलते हैं कि भैया आपका जो इनकम है ना वो इनकम कम नहीं होना चाहिए या लॉसेस बढ़ना नहीं चाहिए एज कंपेयर टू द रिटर्न इनकम रिटर्न इनकम से जो है वो आपकी इनकम कम नहीं होनी चाहिए असेस इनकम से कम हो सकती है आंसर इज यस हो सकती है जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं हुआ क्या आपने क्या किया अपना रिटर्न फाइल किया था और रिटर्न में इनकम है वो हंड्रेड बताई थी

अब हुआ क्या सीबीडीटी ने जो साइन किया अप्पा, वो लो यहां पे साइन किया इस में जाके और, और, और चीज समझना जब सीबीडीटी ने यहां पर साइन किया तो और अपा इज एप्लीकेबल फॉर ऑल ईयर तो सर इसमें से ऑलरेडी इस ईयर इस साल इस साल इस साल इस साल के तो हम ऑलरेडी रिटर्न फाइल कर चुके होंगे आप ऑलरेडी इन इयर्स के इन फोर इयर्स के एंड दिस ईयर आल्सो रिटर्न फाइलिंग का ड्यूडेट ऑलरेडी 139 वन वाला जा चुका है तो आप ऑलरेडी रिटर्न फाइल कर चुके होंगे बट रिटर्न फाइल तो आप नॉर्मल कोर्स में कर चुके होंगे अपाप के हिसाब से अब आपको मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करना पड़ेगा विद इन थ्री मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच अपा वॉज एंटर्ड

देयर मे बी पॉसिबिलिटी ना आपका असेसमेंट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका हो उसमें से हो सकता है असेसमेंट भी कंप्लीट हो गया तो असेसमेंट कंप्लीट हो गया तो अब असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा उस ईयर की आपकी इनकम का रिकम्पटेशन करेगा उस ईयर की इनकम जो है उसका क्या करेगा वो रिकम्पटेशन करेगा और रिकम्प्यूटेशन करके उस असेसमेंट को वापस से वो मॉडिफाई करेगा और सर मॉडिफाई करना है वो कब तक करना है तो वो करना पड़ेगा विद इन वन ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच मॉडिफाइड रिटर्न वॉज फाइन जिस ईयर में आपने मॉडिफाइड रिटर्न फाइल किया उस ईयर के एंड से जिस ईयर में आपने मॉडिफाइड रिटर्न फाइल किया उस ईयर के एंड से वन ईयर के अंदर अंदर एओ क्या करेगा आपका जो असेसमेंट कंप्लीट हुआ था उसको वो चेंज कर लेगा

ज ऑप्शन रोल बैक चाहिए तो लो नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं आप अप्पा ले लीजिए फाइव ईयर्स के लिए लेकिन सर क्या ऐसा हो सकता है कि हमको अप्पा नहीं चाहिए हमको सिर्फ रोल बैक चाहिए बाबू ऐसा नहीं होता है करके ठीक है मैं हमेशा बोलता हूं कि पहले शादी करनी पड़ेगी शादी के बाद बच्चे इज ऑप्शनल तो में शादी करो बच्चे ऑप्शनल है आपको चाहिए रोल बैक तो लीजिए बट ऐसा नहीं हो सकता कि हमको तो सिर्फ बच्चे चाहिए और शादी ना करे करके ठीक है वैसा नहीं चलेगा वैसे आप अप्पा में एंटर करिए रोल बैक चाहिए तो लीजिए नहीं चाहिए कोई बात नहीं है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हमको तो सिर्फ रोल बैक दे दीजिए और हम अप्पा में एंटर नहीं करेंगे वैसा नहीं हो सकता वैसा आपके नहीं कर सकते करके ठीक है चलिए उसके बाद में एक और चीज समझना क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि की एप्लीकेशन को विद्रॉ कर सकते हैं आंसर इज यस जब तक फाइनलाइज नहीं होता उससे पहले पहले आप रोल बैक की एप्लीकेशन है वो आप विद्रॉ कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अब एक और चीज समझना एक कॉन्सेप्ट यह आता है कि सर अमल कमीशन के केस में कैसे होगा अमल कमीशन के केस में जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं एक कंपनी है जिसका नाम है ए लिमिटेड ए लिमिटेड और हुआ क्या एक कंपनी है बी लिमिटेड अब बी लिमिटेड क्या हुआ ए लिमिटेड में मर्ज हो गई और अभी भी कंपनी ए लिमिटेड है तो ए लिमिटेड जो है वो अभी भी है अब एक बात बताइए है, है क्या वो रोल बैक में तो ए लिमिटेड है वो रोल बैक में जा सकती है लेकिन एक चीज समझना एक कॉन्सेप्ट यह आता है कि जैसे मान लो कभी मर्जर हो जाए फॉर एन एग्जाम्पल एक कंपनी है ए लिमिटेड एक कंपनी है बी लिमिटेड और ये दोनों मर्ज होकर और इन्होंने एक कंपनी बना दी सी लिमिटेड

तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट पढ़ने से पहले आप सबसे पहले प्राइमरी एडजस्टमेंट समझ लीजिए प्राइमरी एडजस्टमेंट क्या होता है तो प्राइमरी एडजस्टमेंट क्या होता है वो समझने की कोशिश करना एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल से अपन समझने की कोशिश करते हैं जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ एक बात समझिए एक इंडिया का कंपनी है जिसका नाम है बीबी लिमिटेड और मान लो हमारा एक एसोसिएट एंटरप्राइज है जो फॉरन में है जिसका नाम है फॉर एन एग्जाम्पल सनी लिमिटेड सो सनी लिमिटेड एक फॉरन का एंटिटी है

और आई कैन प्राइस है वो फॉर एन एग्जांपल करोड़ है तो एक बात बताइए थर्टी करोड़ आमलैंग प्राइस है और आपने जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस है वो ट्वेंटी फाइव करोड़ है तो पहली चीज तो ये कि जो आमलैंग प्राइस और एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस के बीच में जो डिफरेंस मीन फाइव करोड़ रुपए हमारी कंपनी की इनकम में एड करेंगे 5 करोड़ रुपए जो है वो हमारी कंपनी की इनकम में एड करेंगे प्राइमरी प्राइमरी एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट सो किसको बोलते हैं कि जो के बीच में के बीच में है, उसकी वजह से आपकी इनकम में जितना एड होता है अब एक बात बताओ, ये सेल का था. तो जब ये सेल का ट्रांजेक्शन था तो हमने क्या किया ओनली ट्वेंटी फाइव करोड़ ही इंडिया में लाया होगा लेकिन हमको लाना कितना चाहिए था थर्टी करोड़ बिकॉज ऑनलाइन प्राइस इज थर्टी करोड़ लॉ लॉमेकर्स यहां पे बोलते हैं कि ये जो 5 करोड़ जो करोड़ रुपए एक्सेस मनी है एक्सेस मनी मीन डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस एंड ऑनलाइन प्राइस जो फाइव करोड़ का एक्सेस मनी है एक्सेस मनी हमको इंडिया में रिपेट्रिएट करना पड़ेगा मीन्स ये पैसा इंडिया में लाना पड़ेगा और कब तक लाना पड़ेगा विद इन द नाइनटी डेज ये नाइनटी डेज कहां से लेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा अगर हमने नाइनटी डेज में वो पैसा इंडिया में नहीं लाया तो बेटा ये माना जाएगा कि हमने हमारी एसोसिएट एंटरप्राइज को लोन दिया है और उस लोन पे हम क्या करेंगे एवरी ईयर हमारी इनकम में इंटरेस्ट इनकम ऐड करते जाएंगे ऐड करते जाएंगे ऐड करते जाएंगे दैट इज कॉल योर सेकेंडरी एडजस्टमेंट

इनकम बनेगी और एवरी ईयर आपकी इनकम में इंटरेस्ट इनकम है वो ऐड होती जाएगी लेकिन एक बात समझना ये आपको इंटरेस्ट इनकम बनानी पड़ेगी और इंटरेस्ट इनकम आपकी इनकम में ऐड होगा दैट इज कॉल योर सेकेंडरी एडजस्टमेंट ये सेकेंडरी एडजस्टमेंट तभी करना है जब प्राइमरी एडजस्टमेंट है वो आपका फाइव रीजन की वजह से हुआ है कब हुआ है या तो आप ओन मोशन क्या करते हैं करते हैं। हैं। आप आप जो है है है, है। और ज़्यादा बताते है। तो प्राइस है, वो आपने है। आपने खुद ने की की या फिर मान लो असेसिंग ऑफिसर ने क्या किया है असेसिंग ऑफिसर ने मान लो असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर बनाया और उसकी वजह से प्राइमरी एडजस्टमेंट हो रहा है और ने उसको एक्सेप्ट कर दिया या फिर है है वो अप्पा की की वजह वजह से से आई और से arm length price निकली और निकली उसकी वजह से प्राइमरी एडजस्टमेंट हुआ है या फिर सेफ हार्बर रूल्स की वजह से आपका प्राइमरी एडजस्टमेंट हुआ है या फिर मैप की वजह से हुआ है मैप का मतलब होता है म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर अब यह म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर का मतलब क्या होता है जैसे फॉर एन एक्साम्पल मेरा

वन करोड़ रुपए से ज्यादा है प्राइमरी एडजस्टमेंट तो ही आपको सेकेंडरी एडजस्टमेंट करना है एंड प्राइमरी एडजस्टमेंट आपका असेसमेंट ईयर सिक्सटीन सेवनटीन या उसके बाद का है इसका मतलब यह हुआ कि प्राइमरी एडजस्टमेंट आपका जो है वो अगर वन करोड़ या उससे कम का है या फिर असेसमेंट ईयर सिक्सटीन सेवनटीन

होता है, तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा और बेटा वो पैसा जो है वो इंडिया में आपको रिपेट्रिएट करना पड़ेगा विद इन नाइनटी डेज बट ये 90 डेज का टाइम कैलकुलेट कहां से होता है ये जो 90 डेज है 90 डेज का टाइम है वो कैलकुलेट कहां से होगा तो सबसे पहली चीज अगर मान लो आपका प्राइमरी एडजस्टमेंट है वो एओ के ऑर्डर की वजह से हुआ या अपीलेट ऑथोरिटी के ऑर्डर की वजह से हुआ तो आपको थर्ट डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ एओ और अपीलेट ऑथोरिटी मीनस एओ या फिर अपिलेट ऑथोरिटी का जो ऑर्डर रहेगा ना ऑर्डर की डेट से नाइनटी डेज के अंदर अंदर वो पैसा इंडिया में रिपेट्रिएट करना पड़ेगा अगर आपने 90 डेज के अंदर अंदर रिपेट्रिएट नहीं किया तो यह माना जाएगा आपने अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज को लोन दिया है और उस लोन पे इंटरेस्ट इनकम है वो हर साल आपकी इनकम में जुड़ती रहेगी जब तक आप उस पैसे को इंडिया में रिपेट्रिएट नहीं करते अब दूसरी चीज अगर मान लो प्राइमरी एडजस्टमेंट अपा की वजह से हुआ है और लेकिन अपा में जब आप एंटर हुए अपा में जब आप एंटर हुए वहां पर आपके रिटर्न फाइलिंग की डिओडेट उस ईयर की अभी तक जानी बाकी है रिटर्न फाइलिंग की डेट है वो रिटर्न फाइलिंग की डेट है वो अभी तक जानी बाकी है मीन अभी तक रिटर्न फाइलिंग की डेट नहीं गई है उस ईयर के लिए आई कैन टेक एक्साम्पल एक बात बताइए जैसे हम अपा की बात कर रहे थे अप्पा में क्या हुआ आपने एप्लीकेशन जो की थी वो एप्लीकेशन फॉर एन एग्जांपल यहां पे आपने एप्लीकेशन इस ईयर में की थी लेकिन अप्पा में एंटर हुए वो आपके प्रीवियस ईयर 25 मींस 19 जुलाई 2024 को एंटर हुए अब एक बात बताओ इस डेट को जब अप्पा में एंटर हुए तो मैं बताऊं इस डेट को इस ईयर की रिटर्न फाइलिंग की डेट अभी तक जाना बाकी है एस वेल द उसके पिछले ईयर प्रीवियस ईयर 23 24 की रिटर्न फाइलिंग की ड्यूडेट आएगी 30th नवंबर 2024 सो थर्टियत नवंबर 2024 इस ईयर की भी रिटर्न फाइलिंग की ड्यूडेट अभी तक पेंडिंग है इस ईयर की पेंडिंग है इस ईयर की पेंडिंग है इस ईयर की पेंडिंग है तो अगर मान लो इन जो ईयर है इन ईयर की तो रिटर्न फाइलिंग की डेट अभी तक पेंडिंग है गई नहीं है

और इन इयर्स का अगर कोई प्राइमरी एडजस्टमेंट हो रहा है इन इयर्स का अगर कोई प्राइमरी एडजस्टमेंट हो रहा है तो वो पैसा रिपेट्रिएट कब तक करना है पता है वो पैसा आपको रिपेट्रिएट करना पड़ेगा विद इन नाइनटी डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच अपा वॉज एंटर्ड मतलब जिस मंथ में आपने अपा में एंटर किया था उस मंथ के एंड से 90 डेज के अंदर अंदर वो पैसा इंडिया में रिपेट्रिएट करना पड़ेगा तो समझने की कोशिश करना सबसे पहला मैंने क्या बोला कि अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट है वो एओ के ऑर्डर या अपीलेट ऑथॉरिटी के ऑर्डर की वजह से हुआ तो ऑर्डर की डेट से डेज के अंदर अंदर पैसा इंडिया में रिपेट्रिएट करिए अगर आप प्राइमरी एडजस्टमेंट अपा की वजह से हुआ है और बेटा अपा की वजह से हुआ है और बिफोर द ड्यू डेट अंडर सेक्शन दैट ईयर मतलब जिस ईयर का प्राइमरी एडजस्टमेंट हुआ है उस ईयर की रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट अभी तक जानी बाकी है तो रिटर्न फाइलिंग की डेट आनी बाकी है तो आप एक काम करेंगे 90 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आरओआई जब आप एक्चुअल रिटर्न फाइल करेंगे वो एक्चुअल रिटर्न फाइलिंग की डेट से 90 डेज के अंदर अंदर पैसा रिपेट्रेड करिए और अगर मान लो प्राइमरी एडजस्टमेंट उस ईयर से रिलेटेड है जिसका रिटर्न फाइलिंग का ड्यूडेट ऑलरेडी जा चुका है तो नाइनटी डेज फ्रॉम जिस मंथ में, में, में रिपेट्रिएट कर लीजिए अगर मान लो आपका प्राइमरी एडजस्टमेंट है म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर की वजह से, से हुआ है तो जब भी डेज के अंदर -अंदर, आप उस पैसे को इंडिया में रिपेट्रिएट कर लीजिए और अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट एनी अदर रीजन की वजह एनी अदर रीजन की वजह से क्या हो सकता है जैसे सुओ मोटो है या सेफ हार्बर रूल्स की वजह से है. अगर उसकी वजह से प्राइमरी एडजस्टमेंट होता है तो 90 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग जो आपकी 1391 में ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग आएगा ना उससे आपको 90 डेज के अंदर-अंदर पैसा रिपेट्रिएट करना है अब एक और बात समझना अगर आप 90 डेज में पैसा रिपेट्रिएट नहीं करते तो आपका सेकेंडरी एडजस्टमेंट होगा अब मान लो आपने 95th डे पे पैसा रिपेट्रिएट किया इंडिया में तो 95th डे पे पैसा जो रिपेट्रिएट कर रहे हैं तो इंटरेस्ट इनकम कितने टाइम का बनेगा मींस ओनली 90 डेज के बाद 5 डेज का इंटरेस्ट इनकम आपकी इनकम में जुड़ेगा या टोटल 95 डेज का राइट आंसर इज टोटल 95 डेज का

तीसरा अगर मान लो आपकी अप्पा में अप्पा एंटर हुआ और रिटर्न फाइलिंग की ड्यूडेट जा चुकी है जिस ईयर का प्राइमरी एडजस्टमेंट हो रहा है उस ईयर की तो जिस मंथ में अप्पा में एंटर हुआ उस मंथ के एंड से नाइनटी डेज के अंदर अंदर रिपेट्रेट करिए

तो एक बात बताऊं यहां पे एक चीज में फर्क है सबसे पहला तो क्या अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट है वो एओ के ऑर्डर या अपीलेट ऑर्डरिटी के ऑर्डर की वजह से और 90 डेज में पैसा रिपेट्रिएट नहीं किया तो ऑर्डर की डेट से ही आपकी इनकम इंटरेस्ट इनकम बनेगी ऑर्डर की डेट से ही आपको इंटरेस्ट इनकम है वो कैलकुलेट करना है ऑर्डर की डेट से अब एक और चीज समझना अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट अपा की वजह से है और रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट आना बाकी है रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट आना बाकी है तो एक बात बताओ आपको एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से 90 डेज में पैसा लाना था बट अगर आपने नहीं लाया तो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग से जो रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट होता है ना वो ड्यू डेट के बाद से जो है वो आपका जो है वो इंटरेस्ट इनकम बनना चालू होगा और अगर मान लो आपका अपा एंटर हुआ और ड्यू डेट जा चुका है तो अपा में एंटर हुआ उस मंथ के एंड से आपका जो इंटरेस्ट इनकम बनना चालू होगा और मैप की वजह से हुआ है तो जिसका इफेक्ट दिया जाएगा एओ ने एओ इफेक्ट देगा उस दिन से आपका इंटरेस्ट इनकम बनना चालू होगा और अदर केसेस में क्या होगा जो आपकी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है वो जैसे ही चली उसके बाद से जो है वो आपका इंटरेस्ट इनकम बनना चालू होगा तो इसका मैंने समराइजर दे रखा है तो देखिए अगर मान लो आपका प्राइमरी एडजस्टमेंट ऑर्डर ऑफ एओ अपीलेट अथॉरिटी की वजह से है तो आपको पैसा रिपेट्रिएट करना पड़ेगा नाइनटी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर या अपीलेट अथॉरिटी नहीं किया तो बेटा जो डेट ऑफ ऑर्डर और डेट ऑफ ऑर्डर

जो पैसा रिपेट्रिएट नहीं किया ये माना जाएगा आपने अपनी एसोसिएट इंटरप्राइज को लोन दिया है और वो लोन पे इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट इनकम बनाई जाएगी आपकी अब एक बात बताओ इंटरेस्ट इनकम लेने के लिए सर अपन इंटरेस्ट का रेट क्या ले तो इंटरेस्ट की रेट के लिए आपको देखना पड़ेगा कि जो एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ में आपने ट्रांजैक्शन किया था वो ट्रांजैक्शन डिनोमिनेटेड इन इंडियन करेंसी है या फॉरेन करेंसी है अगर डिनोमिनेटेड इन इंडियन करेंसी है, तो आप एक काम करिए प्रीवियस की फर्स्ट अप्रैल को जिस प्रीवियस में इंटरेस्ट इनकम बन रही है उस ईयर की फर्स्ट अप्रैल को एसबीआई का वन ईयर का लैंडिंग रेट क्या है फर्स्ट अप्रैल और प्रीवियस ईयर को एसबीआई का वन ईयर का मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट क्या है वो रेट ले लीजिए और प्लस कर दीजिए उसमें थ्री पॉइंट टू फाइव परसेंट यह आपका इंटरेस्ट का रेट रहेगा कैन टेक एक्साम्पल सपोज एस बी आई का वन ईयर का लैंडिंग रेट है वो आपका 9% है तो 9% परसेंट प्लस थ्री पॉइंट टू फाइव परसेंट इट्स टू टू फाइव परसेंट है इतना इंटरेस्ट का रेट आएगा इतना इंटरेस्ट इनकम आपका बनेगा उस साल के लिए अगले साल के लिए वापस नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट अप्रैल का जो भी आपका एसबीआई का वन ईयर का लैंडिंग रेट रहेगा प्लस 3.25 करेंगे लेकिन एक और चीज समझना अगर वो ट्रांजेक्शन फॉरन करेंसी में डिनोमिनेटेड है तो आप एक काम करिए थर्टी सेप्टेंबर का लिबोर क्या है जो थर्टीएथ सेप्टेंबर का लाइबोर रहेगा या लिबोर रहेगा वो थर्टियथ सेप्टेंबर का जो लेबोर रहेगा सिक्स मंथ लेबोर उसमें आप थ्री परसेंट है वो आप एड कर दीजिए जो लेबोर रहेगा उसमें आप थ्री परसेंट आप एड कर दीजिए थर्टियथ ऑफ प्रीवियस ईयर का लेबोर प्लस थ्री परसेंट कर दीजिए ये आपका इंटरेस्ट का रेट रहेगा तो देखो इंडियन करेंसी करेंसीड ट्रांजेक्शन ईयर का एसबीआई प्रीवियस ईयर को एसबीआई का रेट क्या प्लस थ्री करना है और फॉरन करेंसी के थर्टीएथ का जो लेबोर रहेगा सिक्स मंथ का प्लस उसमें थ्री करना है वो आपकी इंटरेस्ट की रेट होगी अब एक और चीज समझना लास्ट ईयर लास्ट लास्ट टू और निर्मला नहीं कर पा रहे हो तो रिपेट्रीएट नहीं कर पा रहे हो तो हर साल आपकी इनकम में इंटरेस्ट इनकम जुड़ती जाएगी जुड़ती जाएगी जुड़ती जाएगी, जोड़ती जाएगी ये तो चलता रहेगा सर अब एक बात समझते हैं यहां पर दिया एक काम करिए ना जो एक्सेस मनी आप नहीं ला पा रहे हो फॉरेन से हर साल आपकी इंटरेस्ट इनकम जुड़ रही है बेटर है एक काम करिए एक लमसम हम आप एक टैक्स पे कर दीजिए एक एडिशनल टैक्स पे कर दीजिए तो अगर एसएससी चाहे तो ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है और वो एडिशनल टैक्स पे कर सकता है 18 परसेंट की रेट से बट उसमें 12 परसेंट सरचार्ज ऑलवेज एड होगा फोर हेल्थ एंड एजुकेशन ऑलवेज एड होगा सो ट्वेंटी पॉइंट नाइन आप एडिशनल टैक्स है वो गवर्नमेंट को भर दीजिए

30.9664% है उतना आप टैक्स भर दीजिए तो अब आप जो है आपको कोई भी सेकेंडरी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है चलिए उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन आती है मेंटेनेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट अब एक बात समझना 92 डी सेक्शन इज अ डॉक्यूमेंटेशन की बात करती है ये सेक्शन क्या बोलती है सबसे पहली चीज अगर आप कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में एंटर करते हैं स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन में एंटर करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स बनाना पड़ेगा जो कि सीबीडीटी ने यहां पे बोला हुआ है और सीबीडीटी ने बोला हुआ है आपको टीपी स्टडी रिपोर्ट बनानी पड़ती है और प्रैक्टिकल लाइफ में आपने ऑफिस में वगैरह देखा होगा स्टडी रिपोर्ट कैसी होती है वो स्टडी रिपोर्ट बनानी पड़ती है एक और क्वेश्चन यहाँ पे, यहां पे आता है कि सर टीपी स्टडी रिपोर्ट तो बना लेंगे उसके अलावा और भी कोई डॉक्यूमेंटेशन बनाना पड़ेगा क्या यहां पे क्या होता है अगर कोई भी इंटरनेशनल ग्रुप है तो इंटरनेशनल ग्रुप के केस में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी होती है ना उसको एक मास्टर फाइल और बनानी पड़ती है अब ये मास्टर फाइल किसको बनानी पड़ेगी क्या बनानी पड़ेगी अभी अपन देखेंगे करके ठीक है अब एक और चीज समझना ये जो टीपी स्टडी रिपोर्ट है ना ये टीपी स्टडी रिपोर्ट आपको बनानी पड़ती है लेकिन ये बनाने के बाद में अगर मान लो एओ आपसे कभी मांगता है या सीआईटी अपील आपसे कभी मांगता है तो आपको वो उनको ले जाके सबमिट करना पड़ेगा स्टडी रिपोर्ट जो होती है जो एनालिटिकल रिपोर्ट बोलते हैं ये स्टडी रिपोर्ट आपको बना के रखनी पड़ती है लेकिन असेसिंग ऑफिसर या सीआईटी अपील है वो अगर आपसे मांगता है तो आपको ले जाके उसको देना पड़ेगा और उसको ले ले जाके कब तक देना पड़ेगा विद इन दर्टी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस आपको नोटिस मिलेगा कि आपने जो स्टडी रिपोर्ट बनाई है वो आप एओ को या सीआईटी uh, अपील है उसको ले जाके बताइए आपको वहां ले जाके देना पड़ेगा और वो टाइम लिमिट क्या रहेगा थर्टी डेज का रहेगा थर्टी डेज के अंदर अंदर आपको सबमिट करना पड़ेगा लेकिन अगर आप क्या एक्सटेंशन मांग सकते हो क्या सर अभी तक टीपी स्टडी रिपोर्ट प्रिपेयर नहीं है कैन वी गेट द एक्सटेंशन आंसर इज यस बट यहां पे एक्सटेंशन आपको 30 डेज का और मिल सकता है 30 डेज का एक्सटेंशन आपको और मिलेगा अब एक और चीज समझना ये तो बात हो गई टीपी स्टडी रिपोर्ट की अब आप बोलोगे मास्टर फाइल किसको फाइल करनी पड़ती है तो मास्टर फाइल फाइल करनी पड़ती है कॉन्स्टिट्यूंट एंटिटी को ये कब तक फाइल करनी पड़ती है विद इन द टाइम लिमिट गिवन अंडर सेक्शन सिक्स और सेक्शन टू अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि मास्टर फाइल है वो कब तक फाइल होती है अब एक और चीज समझना सर ये जो टीपी स्टडी रिपोर्ट है क्या हर किसी को बनानी पड़ेगी आंसर इज नो अगर आपका इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है उसकी वैल्यू वन करोड़ से ज्यादा है तो ही आपको टीपी स्टडी रिपोर्ट बनानी पड़ती है बिकॉज प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखोगे ना तो अगर टीपी स्टडी रिपोर्ट है आजकल बिग फोर बनाती है एंड मुंबई की मैं अगर बात करूं तो 25 30 ऐसी रहेगी 25 30 ऐसी रहेगी जो टीपी स्टडी रिपोर्ट बनाती है एंड दे आर चार्जिंग मिनिमम टू लाख रूपेस थ्री लाख रूपे पर पर क्लाइंट तो क्या अगर आपका इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन छोटा सा ट्रांजेक्शन है क्या आपको टीपी स्टडी रिपोर्ट बनाना पड़ेगा आंसर इज नो अगर आपका इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन वन करोड़ से ज्यादा है तो ही आपको बनाना पड़ेगा और बेटा इस जो टीपी स्टडी रिपोर्ट रहती है, उसको एट तक आपको अपने पास रखना पड़ेगा फ्रॉम द द एंड एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट असेसमेंट ईयर ईयर के से 8 तक आपको अपने पास में मेंटेन करके रखना पड़ेगा उसके बाद एक सेक्शन होती है दैट इज रिलेटेड टू रिपोर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट अब एक बात समझना जहां रिपोर्ट देता है

एन एग्जाम्पल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन आपके दस थे और दस में से आपने सिर्फ सात ट्रांजेक्शन ही रिपोर्ट किए या फिर document, आपने या नहीं किया इन तीनों में से एक भी डिफॉल्ट हो गया या तो आपने डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन नहीं किया दूसरा आपने क्या किया अगर कोई रिपोर्ट ट्रांजेक्शन रिपोर्ट नहीं मेंटेन फर्निश कि नहीं किया तो आपका टू ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यू का आपको पेनल्टी लग जाएगा उसके बाद अगर आपने मास्टर फाइल नहीं फाइल की तो पांच लाख रुपए का पेनल्टी लगेगा यह भी सेक्शन टू डबल ए में दे रखा है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी होती है ना उसने मास्टर फाइल फाइल करना चाहिए अगर उसने मास्टर फाइल फाइल नहीं की तो फाइव लाख रुपए का पेनल्टी लगेगा उसके बाद में टू जी का पेनल्टी ये बोलता है कि अगर आपने फर्निश नहीं किया

करना पड़ेगा उसके ऊपर जो है वो टू लाख रुपए का आपको पेनल्टी लग जाएगा अंडर सेक्शन 278 जब आप 278 पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा एक सेक्शन हुआ करती है 94A 94A इज रिलेटेड टू द NJ NJ का मतलब होता है नोटिफाइड जूरिसडिक्शनल एरिया ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर मान लो कोई आप इंडिया के पर्सन हो और आप किसी भी

10% से काटना रहता है बट ना एनजे में लोकेटेड है तो आपको 30% की रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा एक और चीज समझना एनजे में लोकेटेड कोई पर्सन है और उससे अगर आप कोई मनी लेते हो मींस आपके अकाउंट में कुछ पैसा आया है और वो उस पर्सन से आया है जो एनजे में लोकेटेड है आपको ये बताना पड़ेगा इंडियन इनकम टैक्स अथॉरिटी को कि उसने वो पैसा कहां से कमाया था

अगर मैं नहीं बता पाया तो इस केस में यह मान लिया जाएगा यह हमारी इनकम है और हमारे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा नहीं तो लोग क्या ये इस, इसके लिए डाला क्योंकि हो सकता है एनजे के थ्रू आप राउंड ट्रिपिंग वगैरह कर पाओ मीन राउंड पैसे को घुमा पाओ ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट ऐसा कर पाओ इसके लिए इन्होंने प्रोविजन डाले है उसके बाद में एक सेक्शन होती है नाइनटी टू बी ए दैट इज रिलेटेड टू स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन अब एक बात समझना ट्रांसफर प्राइसिंग है वो आपके इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में लगता है बट कुछ ऐसे डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन और है जहां पे ट्रांसफर प्राइसिंग लगता है कौन कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन और मैं बताऊं यहां पे डोमेस्टिक जो ट्रांसफर प्राइसिंग है डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन में तभी लगता है जब जो आपका डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन है उसकी एग्रीगेट वैल्यू ट्वेंटी करोड़ से ज्यादा है मिस 20 करोड़ से कम है तो उसके इसमें नहीं लगेगा अगर ट्वेंटी करोड़ से या उससे ज्यादा है करके ठीक है मोर देन ट्वेंटी करोड़ है सॉरी तभी आपका ट्रांसफर प्राइसिंग लगेगा अदरवाइज नहीं लगेगा अब आप ये बोलोगे कौन कौन से ट्रांजेक्शन तो इन्होंने बोला इंटर यूनिट ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विस जो रेफर एटी ए में रखा है या फिर इंटर यूनिट ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विस जो रेफर ए सब सेक्शन एट में, तो में तो दे रखा है या बिजनेस ट्रांजेक्टेड बिटवीन द एस एंड हिज क्लोजली कनेक्टेड पर्सन जो ए टी टेन में दे रखा है या ट्रांजैक्शन रेफर्ड इन एनी अदर सेक्शन ऑफ चैप्टर सिक्स ए और टेन डबल ए ऑफ विच प्रोविजन ऑफ ए टी और ए

market value resulting the higher प्रॉफिट इन द एलिजिबल बिजनेस और यूनिट तो ये बेसिकली क्या होते हैं ना ये आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लो एक आपका बिजनेस ऐसा है जिसपे कोई डिडक्शन मिल रहा है और मान लो एक कनेक्टेड पर्सन है हो सकता है आपका होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशनशिप हो दूसरा पर्सन ऐसा है जो आपसे कनेक्टेड है और वहां पे ए का डिडक्शन नहीं मिल रहा वो नॉर्मल है तो आप क्या करते हो ट्रांजेक्शन को ऐसा सेट करते हो जिससे क्या होता है कि जिसको डिडक्शन मिल रहा है जिसको बेनिफिट मिल रहा है उसका प्रॉफिट बढ़ा देते हो और जिसको बेनिफिट नहीं मिल रहा उसका प्रोफिट कम करते हो जिससे आपका टैक्स सेव हो जाए एक्जाम्पल के लिए वन वन फाइव बी एक बात बताओ वन वन फाइव बी में आपको पता है कंपनी को न्यू मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी है उसको सिर्फ 15% की रेट से टैक्स लगेगा तो आपने क्या किया दो कंपनी बना दी एक कंपनी मुंबई में मान लो और उस पे नॉर्मल 30% टैक्स लगता है वो पहले से आ रही है एक कंपनी आपने जयपुर में सेटअप कर दी जिसपे पे 15% की रेट से टैक्स लग रहा है अब होता क्या है दोनों के मान लो शेयर होल्डर है वो सेम है अब क्या होता है जयपुर की कंपनी ऐसी है जो जिस पे 15% की रेट से टैक्स लगता है वो कंपनी क्या करेगी मुंबई की कंपनी को सेल करेगी गुड्स और बहुत हाई वैल्यू पे सेल करेगी जिससे क्या होगा जयपुर में प्रॉफिट ज्यादा आएगा और जो मुंबई है उसमें प्रॉफिट कम हो जाएगा मुंबई में टैक्स सेव होगा 30% टैक्स लग रहा है जयपुर में 15% परसेंट टैक्स लग रहा है इफेक्टिवली आपका फिफ्टीन का टैक्स सेव हो जाएगा लोग ऐसा करते थे तो यहां पर इन्होंने बोला कि अगर वो ट्रांजेक्शन ट्वेंटी करोड़ से ज्यादा है तो वहां पर ट्रांसफर प्राइसिंग लगेगी और आपको आमलैंग प्राइस है वो आमलैंग प्राइस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा उसके बाद में लास्ट पार्ट आता है आपका कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग बट कंट्री

तो आपने कहीं पे वर्ड सुना है कैपिटलाइजेशन कैपिटलाइजेशन तो थीन यही है 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 लॉ ये बोलते हैं कि अगर मान लो आपने कोई भी कोई भी भी बोरोइंग की लोन लिया है, और वो आपने अपने नॉन रेजिडेंट एसोसिएट एंटरप्राइज से लिया है और उसके लिए जो आप इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पे कर रहे हो या सिमिलर नेचर के जो एक्सपेंसेस पे कर रहे हो जैसे गारंटी कमीशन वगैरह इसकी एक लिमिट है एक्सेस इंटरेस्ट आपका डिसअलाउड हो जाएगा इसकी एक लिमिट है और एक्सेस इंटरेस्ट आपका डिसअलाउड हो जाएगा अब आप बोलोगे एक्सेस इंटरेस्ट डिसअलाउड हो जाएगा बट एक्सेस इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे तो एक्सेस इंटरेस्ट निकालने का एक फॉर्मूला है वो ये बोलता है कि पहले आप एक काम करिए टोटल इंटरेस्ट लीजिए और माइनस कर दीजिए थर्टी परसेंट ऑफ द आई 30% थर्टी परसेंट ऑफ द अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिशिएशन अमोर्टाइजेशन सो थर्टी परसेंट ऑफ इंटरेस्ट पेड टू एसोसिएट एंटरप्राइज इसमें से जो विच एवर इज लोअर है ना वो आपका एक्सेस इंटरेस्ट हो जाएगा और एक्सेस इंटरेस्ट इस साल में डिसअलाउड हो जाएगा इसका एक ऑल्टरनेटिव व्यू ये आता है कि आप एक काम करिए इंटरेस्ट है ना उसमें आप अब आपको नहीं करना है ऐसा नहीं होता है करके ठीक है आपको ये फॉर्मुला फॉलो करना है तो देखो ये सेक्शन कब लगेगी नाइनटी फोर ए अगर आपने लोन लिया है वो अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज से लिया है हैसोसिएट इंटरप्राइज से आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो या फिर अदर चार्जेस पे कर रहे हो अदर डेट चार्जेस काउडेगा एक्सेस इंटरेस्ट कैसे निकालोगे पहले टोटल इंटरेस्ट लीजिए माइनस थर्टी परसेंट ऑफ ईबीआई टोटल इंटरेस्ट माइनस थर्टी परसेंट ऑफ ईबीआई और इंटरेस्ट टू असोसिएट एंटर इज लोर देखो फर्क क्या है टोटल इंटरेस्ट में ऑल इंटरेस्ट आएगा और इसमें इंटरेस्ट टू सिर्फ ए वाला आएगा एसोसिएट एंटरप्राइज वाला तो टोटल इंटरेस्ट माइनस थर्टी परसेंट ऑफ एबीआई और इंटरेस्ट पेड़ टू एसोसिएट एंटरप्राइज विच एवर इज लोअर है ये आपका एक्सेस इंटरेस्ट हो जाएगा ये आपको डिसअलाउड हो जाएगा इसका लेकिन ये जो डिसअलाउड इस साल हो गया आपके बिजनेस की इनकम कैलकुलेट करते क्या ये फ्यूचर में अलाउ होगा आंसर इस तो डिडक्शन ले सकते हैं ऐसा मैंने आपको सुपर थर्टी में क्वेश्चन भी दे रखा है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आप देखेंगे तो आपको इजिली समझ में आ जाएगा एक और चीज यहां पर समझ में आना समझना मान लो ये सेक्शन में क्या हुआ आपने लोन अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज से नहीं लिया लोन आपने किसी आउटसाइडर से लिया है जैसे मान लो लोन आपने किसी फॉरेन की बैंक से लिया है बट उस बैंक में उस लोन का गारंटी आपकी एसोसिएट एंटरप्राइज ने दिया है या फिर उसने कॉरस्पॉन्डिंग या मैचिंग अमाउंट वहां जमा कराया है मीन लोन इज नॉट टेकन फ्रॉम एसोसिएट एंटरप्राइज लोन इज टेकन फ्रॉम सम आउटसाइडर बट योर एसोसिएट एंटरप्राइज द गारंटी और योर एसोसिएट अ लैंडर और लोन आपने उससे लिया है तो उस केस में ये मान लिया जाएगा कि आपने लोन एसोसिएट एंटरप्राइज से लिया है और बेटा ये वाली सेक्शन है वो लग जाएगी और आपका थीन कैपिटलाइजेशन का सेक्शन है वो आपका लग जाएगा एक और चीज समझना ये सेक्शन नहीं लगेगी दो केसेज में पहले केसेस में तो अगर कोई भी कंपनी है वो बैंकिंग के बिजनेस में है या इंश्योरेंस के बिजनेस में है तो नहीं लगेगी तो अगर आप बैंकिंग के बिजनेस में हो या इंश्योरेंस के बिजनेस में हो तब नहीं लगेगा एक और चीज समझना आप अपने एसोसिएट एंटरप्राइज को जो इंटरेस्ट इंटरेस्ट दे रहे हो ना वो आपका मोर देन वन करोड़ है तो ही सेक्शन लगेगी अगर मान लो इंटरेस्ट वन करोड़ से ज्यादा नहीं है इंटरेस्ट इज नॉट मोर देन वन करोड़ तो उस पर्टिकुलर केस में यह सेक्शन नहीं लगेगी एक और चीज समझता यह सेक्शन नहीं लगेगी करके ठीक है अगर मान लो कोई भी इंडियन कंपनी है या फिर फॉरेन कंपनी का परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है फॉरेन कंपनी का परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है और वो फॉरेन कंपनी जो है वो बैंकिंग बिजनेस में मतलब वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट अगर बैंकिंग या इंश्योरेंस बिजनेस में है, तो ये सेक्शन नहीं लगती आप इसको ऐसे याद रखिए इंश्योरेंस बिजनेस में है या बैंकिंग बिजनेस में तो ये सेक्शन नहीं लगेगी चलिए तो यहां पर लास्ट पार्ट था यह कंप्लीट होता है लेकिन अपना एक पार्ट बच गया दैट इज द कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग तो कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग क्या होता है वो मैं अब आपको समझा देता हूं दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द ट्रांसफर प्राइसिंग

CBC, country by country reporting. अब एक बात समझना ये वाला क्यों क्यों आया country by country reporting क्यों आया क्योंकि क्या होता है ना आजकल पूरा वर्ल्ड एक हो गया है अब ये मल्टीनेशनल कंपनी जितनी भी है जैसे एग्जांपल के लिए मान लो अदानी मल्टीनेशनल कंपनी आप यूनिलिवर ग्रुप देखोगे दे आर द मल्टीनेशनल कंपनी और मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती है ऐसे ट्रांजैक्शन को सेट कर देती है कि जिसमें जिस कंट्री में टैक्स रेट ज्यादा होती है वहां पे प्रॉफिट कम बताती है और जहां पे टैक्स रेट कम होती है वहां पे प्रॉफिट ज्यादा बताती है तो एटलीस्ट पता तो चले कि मल्टीनेशनल ग्रुप पूरे वर्ल्ड में काम कैसे कर रहा है मल्टीनेशनल ग्रुप है वो पूरे वर्ल्ड में काम कैसे कर रहा है तो उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट डेवलप किया दैट इज द कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग मीन जो मल्टीनेशनल ग्रुप का पेरेंट एंटिटी रहेगा पेरेंट एंटिटी का मतलब वो एंटिटी जो सीबीसी फाइल कर सीबीसी फाइल करेगा पेरेंट एंटिटी का मतलब वो एंटिटी जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है तो जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है उस एंटिटी को बोला जाता है पेरेंट एंटिटी पेरेंट एंटिटी क्या करता है पूरे अपने ग्रुप का जो मल्टीनेशनल ग्रुप है वो पूरे ग्रुप का कितना रेवेन्यू है वो बताएगा उसके साथ साथ कौन सी कंट्री में क्या एक्टिविटी हो रही है और उसमें कितना इनकम टैक्स पे किया है मीन प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स कितना है प्रॉफिट आफ्टर इनकम टैक्स कितना है वो बताना पड़ेगा एज वेल एज कहां पे कितनी एम्प्लॉयमेंट है कितना कैपिटल है कितना अक्यूमलेटेड अर्निंग है कितनी टेंजिबल है अटकी सबकी डिटेल है वो ऑल डिटेल्स है वो हर कंट्री के ऑथोरिटी के पास में जाएगा टैक्स ऑथोरिटी के पास में जाएगा जिसको बोला जाता है सीबीसी कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग तो जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग कौन फाइल करता है पेरेंट एंटिटी फाइल करता है तो इस एग्जाम्पल में मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं इस एग्जाम्पल में समझने की कोशिश करना आप लोग हाँ सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेता हूं यूनलिवर ग्रुप का और ये यूनिलिवर ग्रुप है ना

इसका एक और एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं कि जैसे अदानी इंडिया है तो अदानी जो इंडिया वाला है वो उसका मेन कंपनी है और वो क्या करता है अपना जो कंसोलिटेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है तो जो अदानी इंडिया जो है ये अदानी इंडिया आपका बन जाएगा पेरेंट एंटिटी और बेटा ये जितनी भी कंपनी है ये सब मानी जाएगी कॉन्स्टिट्यूंट एंटिटी क्या मानी जाएगी कॉन्स्टिट्यूएंट अब एक बात बताइए कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग कौन फाइल करता है तो कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग सीबीसी सी है वो पेरेंट एंटिटी फाइल करेगा उस कंट्री में जहां पेरेंट एंटिटी जहां की रेजिडेंट है

करेंगे तो अब मैं आपको एक बात पूछूं अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया में कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग कौन फाइल करेगा बताएं इंडिया में कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग अदानी फाइल करेगा मिस जहां पेरेंट एंटिटी इंडिया की रेजिडेंट है अगर पेरेंट एंटिटी इंडिया की रेजिडेंट है तो पेरेंट एंटिटी इंडिया की अगर रेजिडेंट है तो कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग इंडिया में फाइल होगी अब आप बोलोगे कंट्री कंट्री बाय रिपोर्टिंग फाइल कब तक करनी पड़ती है तो जैसे ही आपका अकाउंटिंग ईयर ईयर कंप्लीट हो जाता है उस के 12 के एंड से मंथ अंदर अंदर कंट्री कंट्री बाय रिपोर्टिंग फाइल करनी पड़ती है तो कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग फाइल करने का टाइम लिमिट क्या है ट्वेल्व मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर और बेटा कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग इंडिया में तभी फाइल करनी पड़ती है जब जो मल्टीनेशनल ग्रुप है उसका टोटल एज पर द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से जो लास्ट ईयर का जो ग्रुप रेवेन्यू है वो सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड करोड़ ज्यादा है तो जो ग्रुप है उस ग्रुप का जो रेवेन्यू सिक्सेंड फोर हंड्रेड करोड़ वेट अ मिनट ओके तो जो तुम्हारा ग्रुप रेवेन्यू है जो मल्टीनेशनल ग्रुप ग्रुप है है उसका जो रेवेन्यू लास्ट अकाउंटिंग ईयर काउजेंड फोर हंड्रेड करोड़ या उससे ज्यादा है तो ही कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग फाइल करना है अदरवाइज कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग फाइल नहीं करना तो कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग कौन फाइल करेगा अगर कोई पेरेंट एंटिटी है इंटरनेशनल ग्रुप का जो कि इंडिया की रेजिडेंट है रेजिडेंट इन इंडिया ये अल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी क्या है थोड़ी देर के लिए रुक जाइए तो एंटिटी है जो इंटरनेशनल ग्रुप की इंडिया की रेजिडेंट है और उसका लास्ट ईयर का लास्ट अकाउंटिंग ईयर का जो ग्रुप रेवेन्यू है वो 6,400 करोड़ या उससे ज्यादा है तो ट्वेल्व मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर जो करंट अकाउंटिंग ईयर है वो जैसे ही एंड हो जाएगा उसके बाद ट्वेल्व मंथ के अंदर अंदर है वो कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग फाइल करना रहेगा लेकिन एक बात बताओ सर लास्ट ईयर का जो ग्रुप रेवेन्यू सिक्स करोड़ या उससे ज्यादा आप बोल रहे हो तो सर एक बात बताइए लास्ट ईयर का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड करोड़ या उससे ज्यादा बता रहे हो अगर ये करेंसी में है तो उसको इंडियन करेंसी में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना है कि लास्ट अकाउंटिंग ईयर जो था उसकी लास्ट डेट की टी, -टी, -टी की थ, क्या थी जो लास्ट डेट ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर के एंड की जो टीटीबीआर टीटीबीआर थी वो टी -टी टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर देंगे और इंडियन करेंसी में जो रेवेन्यू आएगा वो अगर 6400 करोड़ या उससे ज्यादा है तो इंडिया में कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग है वो पेरेंट एंटिटी को फाइल करनी रहेगी अदानी इंडिया को लेकिन एक बात समझना लॉमेकर्स ये बोलते हैं कि बेटा जो अगर इंडिया में पेरेंट एंटिटी रेजिडेंट नहीं है एग्जाम्पल के लिए यूनिलिवर ग्रुप

हमारी पेरेंट एंटिटी कौन है और कौन सी कंट्री में जो कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग फाइल होगी कब तक एच को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा पता है एटलीस्ट मंथ प्रायर टू द द ड्यू डेट ऑफ ऑफ फाइलिंग सीबीसी सीबीसी तो जो फाइल करने का टाइम लिमिट रहता है उससे एटलीस्ट टू मंथ पहले है वो इंडियन इनकम टैक्स अथॉरिटी को एचल बताएगी अब एक और चीज समझना ये जो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी है एचल को इंडिया में कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग फाइल करना पड़ जाएगा कब या तो पेरेंट कंट्री में है उस कंट्री में सीबीसी का लॉ ही नहीं है जैसे मान लो यूके जो है यूके में सीबीसी फाइल ही नहीं होता अब जब यूके में सीबीसी फाइल ही नहीं होता फॉर एन एग्जाम्पल तो यहां पे क्या होगा जो HUL है उसको इंडिया में CBC फाइल करना पड़ेगा या फिर वहां पे लॉ है वहां पे लॉ है लेकिन इंडिया का उस कंट्री के साथ में जो अरेंजमेंट नहीं है सीबीसी शेयरिंग का इंडिया का उस कंट्री के साथ में अरेंजमेंट नहीं है कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग शेयरिंग का या फिर तीसरी चीज यह है कि अरेंजमेंट भी है बट अगर कोई सिस्टमिक फेलियर आ रहा है सिस्टमिक फेलियर आ रहा है और उसकी वजह से इंडिया उस रिपोर्ट को गैदर नहीं कर पा रहा है तो उस पर्टिकुलर केस में जो कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी इंडिया में है एग्जांपल के लिए आपका कौन सा मैंने बोला कि एचयूएल है वो एचयूएल को इंडिया में क्या करना पड़ेगा कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग है वो फाइल करना पड़ेगा तो देखो मैंने क्या बोला नॉर्मली कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग कौन फाइल करती है पेरेंट एंटिटी अगर इंडिया की रेजिडेंट है और लास्ट ईयर का ग्रुप रेवेन्यू 6400 करोड़ या उससे ज्यादा है तो इंडिया में सीबीसी फाइल करना पड़ेगा विद इन ट्वेल्व मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर तो जो अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हो गया उसके एंड से ट्वेल्व मंथ के अंदर अंदर लेकिन बेटा ये ग्रुप रेवेन्यू आपको लास्ट अकाउंटिंग ईयर का देखना है तो लास्ट अकाउंटिंग ईयर का जो ग्रुप रेवेन्यू है वो सिक्स करोड़ या उससे ज्यादा है तो ही सीबीसी लगेगा अब एक और बात समझना इंडिया में अगर कोई कॉन्स्टिट्यूट एंटिटी है एक्साम्पल के लिए एच तो उसको यह बताना पड़ेगा कि हमारी पेरेंट एंटिटी कौन है और कौन सी कंट्री में कहां पे सीबीसी फाइल होगी और हम कहीं अल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी तो नहीं है ये बताना पड़ेगा एटलीस्ट टू मंथ बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द सीबीसी रिपोर्ट अब एक और चीज समझता यहां पे इंडिया में अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी है उसको सीबीसी फाइल करना पड़ जाएगा तीन केस में कब

अगर वहां पे ऑब्लिगेशन ही नहीं है या फिर उनके साथ में हमारा अरेंजमेंट नहीं है तो 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर सेम वही वाला पीरियड बट अगर मान लो कोई सिस्टमिक फेलियर आ रहा है तो सिस्टमिक फेलियर केस में सिक्स मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच सिस्टमिक फेलियर है

वो यूनिलिवर ग्रुप ने मान लो नेपाल की जो एनयूएल है इसको ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी बना रखा है में country country फाइल नहीं करता। ने क्या किया नेपाल में जो एन्यूएल है उसको अल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी बनाया और एन्यूएल को बोला है कि तुम नेपाल में जो है वो कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग फाइल करो अब मान लो NUL ने क्या किया नेपाल में कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग फाइल कर दी Annual ने नेपाल में कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग फाइल कर दी और नेपाल से मान लो ये कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग इंडियन गवर्नमेंट है वो ऑप्टेन कर पाती है इंडिया और नेपाल के बीच में अरेंजमेंट है तो उस पर्टिकुलर केस में फिर एचुएल को इंडिया में कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग फाइल करने की जरूरत नहीं है तो मैंने क्या बोला ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी यूनिवर ग्रुप की मान लो नेपाल में है और नेपाल की जो एंटिटी है उन्होंने नेपाल में कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग फाइल कर दी और इंडियन गवर्नमेंट इंडियन अथॉरिटी है वो नेपाल से अगर सीबीसी रिपोर्ट ऑप्टेन कर लेती है तो उस पर्टिकुलर केस में एचुएएल को इंडिया में कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग फाइल करने की जरूरत

अगर आपका डीले वन मंथ के बाद है मंथ रुपीज का, तो 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 का पेनल्टी लगेगा।, लगेगा अब एक बात समझना डिपार्टमेंट ने पेनल्टी का ऑर्डर बना दिया और ऑर्डर आपको मिल गया कितना पेनल्टी पे कर दीजिए तो ऑर्डर जैसे ही आपको सर्व हुआ ना ऑर्डर जैसे ही आपको सर्व हुआ ऑर्डर सर्व हुआ उस दिन से आपका

और वो इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट मंगवाए थे क्योंकि सीबीसी को वो वेरीफाई करना चाहते थे थर्टी डेज का टाइम दिया था एक्सटेंशन और मिल सकता है थर्टी डेज का अगर वो टाइम लिमिट के बाद भी अगर वो नहींफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट दे रहे हो तो पहली चीज तो ये है कि अगर मान लो प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट जैसे ही पास हो गया उसके बाद में आपको फाइव पर डे का पेनल्टी लगेगा

एग्रीगेट वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है वो या तो 50 करोड़ रुपए से इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ज्यादा है या फिर आपका इन केस ऑफ द इंटेंजिबल प्रॉपर्टी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है जैसे गुडविल वगैरह तो गुडविल पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क फ्रेंचाइज डिजाइन एंड फॉर्मुला एंड ऑल सो इंटेंजिबल इटेंजिबल है उसका परचेज या सेल या ट्रांसफर या लीज या यूज ऑफ इंटेंजिबल प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर एस पर द बुक्स ऑफ अकाउंट है वो एक्सीड टेन करोड़ होता है तो देखो इसमें से एक तो ये कंडीशन 500 करोड़ वाली जो ग्रुप रेवेन्यू है पूरा मल्टीनेशनल ग्रुप का वो ग्रुप रेवेन्यू 500 करोड़ से ज्यादा होना 500 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए दूसरी इन दोनों में से एक चीज या तो आपका इंटरनेशनल जो है वो 50 करोड़ से ज्यादा है या फिर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में जो इंटेंजिबल वाला ट्रांजेक्शन है वो इंटेंजिबल वाला आपका 10 करोड़ से ज्यादा है तो आइर 50 करोड़ और 10 करोड़ इन दोनों के बीच में और हो गया एंड उसके साथ में फाइव करोड़ का ग्रुप रेवेन्यू ज्यादा है तो मास्टर फाइल फाइल करनी पड़ेगी अब आप मुझे बोलोगे मास्टर फाइल कौन फाइल करेगा तो मैं बता दूं मास्टर फाइल हर कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी को फाइल करनी रहेगी तो मास्टर फाइल में इंडिया की बात करूं तो इंडिया में एच है तो एच यूएल यहाँ इंडिया में मास्टर फाइल फाइल करेगा एज वेल एज अदानी इंडिया है तो अदानी इंडिया इंडिया में देखो सीबीसी तो फाइल करेगा ही करेगा कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग तो फाइल करनी ही पड़ेगी उसके साथ में अदानी इंडिया को मास्टर फाइल भी फाइल करनी पड़ेगी

आदानी इंडिया इंडिया में मास्टर फाइल भी फाइल करेगा एज़ वेल एज़ द सीबीआईसी है वो भी फाइल करेगा लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है सर आप बोल रहे हो मास्टर फाइल तभी फाइल करना है जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है अब एक और चीज समझना ये जो 500 करोड़ का सर आप रेवेन्यू वगैरह बोल रहे हो इसको कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा तो वही लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर का जो टीटीबीआर रहेगा उसको आपको उससे आपको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना है अब एक और चीज समझना ये आपको कब तक फाइल करनी पड़ेगी ये जो मास्टर फाइल होती है ना मास्टर फाइल आपको कब तक फाइल करनी पड़ती है पता अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग जो रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट होता है और रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट होता है दैट इज द थर्टियथ नवंबर ऑफ असेसमेंट ईयर तो जैसे ही असेसमेंट ईयर का थर्टियथ नवंबर आएगा थर्टीएथ नवंबर से पहले पहले आपको जो मास्टर फाइल है वो फाइल करनी पड़ती है टू द जेडीआईटी जॉइंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स को मास्टर फाइल फाइल करनी पड़ती है अब एक और चीज समझना एंटिटी को मास्टर फाइल तभी फाइल करनी पड़ती है मैंने ऊपर तो क्या बताया दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए मीस करंट अकाउंटिंग ईयर का आपका ग्रुप रेवेन्यू फाइव करोड़ से ज्यादा

वो पार्ट ए हमेशा फाइल करना पड़ता है ये भले ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो या नहीं इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन वाली ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो या नहीं पार्ट ए हमेशा फाइल होता है पार्ट बी आपको तभी फाइल करना रहता है जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है और मास्टर फाइल में क्या होता है ओवरऑल ग्रुप का सिर्फ एक उसका इंट्रोडक्शन होता है ओवरऑल ग्रुप का एक इंट्रोडक्शन होता है तो देखिए यहां पे मैंने क्या लिखा हुआ है क्या देखिए यहाँ पे क्या द कॉन्स्टिटेंट एंटिटी शैल में फर्निश दर्ट एफ द्री सी डबल ए

The international group has designated such entity for this purpose and the information has been conveyed in the 3CAB to the JCI, JDIT in this behalf. टलीस्ट थर्टी डेज प्रायर टू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ थ्री सी डबल ए मीन यहां पे अगर इंडिया में एक से ज्यादा एंटिटी है तो कौन सी कॉन्स्टिट्यूंट एंटिटी मास्टर फाइल करेगी तो वो लोग क्या करेंगे डेजिग्नेटेड करेंगे किसी एक को और ये बता देंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि भाई ये वाली एंटिटी है वो मास्टर फाइल फाइल करेगी अब एक और चीज समझता है ये जो मास्टर फाइल होती है ना ये आपको एट ईयर तक अपने पास में मेंटेन करने के भी रखनी पड़ती है मीस फाइल कर दी है और वो डॉक्यूमेंट्स उससे रिलेटेड है वो आपको एट ईयर्स तक अपने पास में मेंटेन करके रखने पड़ते हैं एट द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर अब ये आप बोलो

इन सिंपल वर्ड मैं आपको बता दूं मास्टर फाइल में बेसिकली ओवरव्यू होता है तो अगर आपसे कोई बोले मास्टर फाइल किसको फाइल करनी है हर कॉन्टिट्यूट एंटिटी को फाइल करनी है बट सीबीसी तभी फाइल करनी पड़ती है जब वो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है और पेरेंट एंटिटी इंडिया की रेजिडेंट होती है या फिर पेरेंट एंटिटी किसी ऐसी कंट्री की रेजिडेंट है जिसके साथ हम अरेंजमेंट नहीं है या उसके साथ शेयर नहीं कर सकते या सिस्टमिक फेलियर एंड ऑल तब बेटा कॉन्स्टिट्यूएंट को फाइल करनी पड़ती है बट मास्टर फाइल है ना वो सबको फाइल करनी पड़ती है एवरी कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी है उसको मास्टर फाइल फाइल करनी पड़ती है कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग का ड्यू डेट क्या रहता है ट्वेल्व मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ

मीन्स आप रेजिडेंट हो पहले कोई इनकम है वो आपके हाथ में टैक्सेबल होती थी यू यूज टू पे द टैक्स एंड ऑल ऑन दैट इनकम बट आप उस असेट को किसी नॉन रेजिडेंट को ट्रांसफर कर रहे हो और उस वजह से अब उस अट से जो इनकम होगी वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी और आप उस पर्सन से कुछ ना कुछ बेनिफिट ले रहे हो या तो अभी या इन फ्यूचर कुछ ना कुछ बेनिफिट लेने वाले हो उस इनकम का तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि वो इनकम एओ चाहे तो ट्रांसफर के हाथ में टैक्सेबल कर सकता है एओ चाहे तो ट्रांसफर के हाथ में है वो टैक्सेबल कर सकता है और ट्रांसफर के हाथ में वो टैक्सेबल हो जाए गी करके तो यहां एओ ऐसा कर सकता है सिर्फ आप इतना याद रखोगे तो आपका काम बन जाएगा अब एक बात समझता ट्रांसफर प्राइसिंग आपका ऑलमोस्ट ये जो टॉपिक कंप्लीट हुआ दो घंटे के आसपास लगा इसमें आपको ध्यान किन किन चीजों पर देना है तो मैं बताऊं आपको एग्जामिनेशन के लिए कुछ चीजें ऐसी है जो बहुत जरूरी का है वो आना चाहिए उसके बाद में दूसरा जो है वो आपकी प्राइस कैसे कैलकुलेट करनी है और आमलैन प्राइस कैलकुलेट करने के लिए 92 सी सेक्शन है और इस सेक्शन में आपको जो चीजें ध्यान देनी है एक तो कप मेथड पे ध्यान देना है जो कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड है मैंने इस बार क्वेश्चन भी दे रखे हैं जो सुपर थर्टी क्वेश्चन है उसमें आप देखो कि ट्रांसफर प्राइसिंग के तीन चार क्वेश्चन है तो एक तो कप मेथड है उस पर ध्यान देना है दूसरा आपका जो है वो आपको कॉस्ट प्लस मेथड पे ध्यान देना है ये दो मेथड पे आप ध्यान देंगे कॉस्ट प्लस मेथड एंड कप मेथड रीसेल प्राइस मेथड से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कंपाइलर में वो भी आप देख सकते हैं बट मेरे को लगता है कप या आपका कॉस्ट प्लस मेथड से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है तीसरी चीज आपको ध्यान देनी है इस बार रेंज कॉन्सेप्ट मेरे को ये लगता है रेंज कॉन्सेप्ट से आपको एग्जाम में छोटा सा क्वेश्चन है वो मिल सकता है रेंज कॉन्सेप्ट है वो रेंज कॉन्सेप्ट से आपको एग्जाम में जो है वो छोटा सा क्वेश्चन है वो आपको मिल सकता है उसके बाद में चौथे नंबर पे आप जो ध्यान देने वाले हैं वो आपको देना है ध्यान ये वाला जो पॉइंट अपन ने पढ़ा था ना 92 आपका सी बी देट इज सेकेंडरी एडजस्टमेंट वाला जो 92 टू सी बी जो सेकेंडरी एडजस्टमेंट वाला है मुझे ये लगता है एग्जाम में आएगा सी बी था या सी ई था सॉरी सीई रहेगा सेकेंडरी एडजस्टमेंट जहां तक सेकेंडरी एडजस्टमेंट नाइनटी टू सी था जस्ट मेरा स्किप हो गई दिमाग से सेक्शन नाइनटी टू सी या सीई है सेकेंडरी एडजस्टमेंट वाला तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट वाली जो सेक्शन नाइनटी टू सी ई है ये आप एक बार अच्छे से करेंगे और मैं बता दूं

अप्पा वाला अगर आप एक बार रीड करके चले जाएंगे एक बार जो मैंने बताया उतना आप सुन के भी चले जाएंगे तो एग्जाम में अगर थियरिटिकल क्वेश्चन आता है या एक दो मार्क का क्वेश्चन आता है वो आप कर सकते हैं बट दिस इज द वेरी आई एम पी पार्ट फॉर योर एग्जामिनेशन इतना अगर आप ट्रांसफर प्राइजिंग से करेंगे आपका क्वेश्चन बैठ जाएगा आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा नाइन टू ए एसोसिएट एंटरप्राइज का डेफिनेशन क्योंकि ट्रांसफर प्राइजिंग तभी लगेगा जब एसोसिएट एंटरप्राइज होंगे सी सी कंप्यूटेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस रेंज एंड बी

बिकॉज आप कितने भी टैलेंटेड थे मैं हमेशा बोलता हूँ बीट टैलेंट वेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड सो भैया यू हैव टू वर्क हार्ड आपको हार्ड है वो तो वर्क तो करना ही पड़ेगा उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है अपने आप को थोड़ा पुश करिए खुश रखिए अपने आप को करके थोड़ा अपने आप को मोटिवेट करिए ऑलवेज अपने आप को थोड़ा पुश करिए ठीक है हर दिन अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करिए जो आपने कल पढ़ा था अगले दिन आप थोड़ा ज्यादा पुश करिए अपने आप को बट आप मेंटल हेल्थ का ध्यान रखेंगे अपनी लाइफ में बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेंगे थोड़ा अच्छे से लड़ रहेंगे और कुछ गाने गुनगुनाएंगे करके करके बिकॉज बहुत बार क्या 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 होता है 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 जब जब आपको ज़्यादा स्ट्रेस आने लग जाए जाए आपका माइंड वो पूरा ब्लॉक हो जाए। क्या हो बोले ऐसा रहा ठीक तो आप करिए एक दो छोटे छोटे गाने गाइए जो इतने गंदे गा सकते हो आप करके एकदम वॉशरूम सिंगर हो तो भी चलेगा बट गाने गुनगुनाइए उसके बाद चीजें अच्छी होने लग जाती है आपको लगता है यार हल्का हो गया करके ठीक है दिमाग और मैं बताऊं इसमें क्या होता है ना जब आप खुश रह के पढ़ते हैं ना तो आपको सब चीजें फटाफट याद होती है हर चीज है वो आपको एकदम मस्त वाली हो जाती है हर क्वेश्चन का आंसर मिलता है बट अगर आप टेंशन लेके पढ़ेंगे ना आप पहले से ऐसा हो भी आपके दिमाग में होगा कि नहीं नहीं ये टॉपिक तो डिफिकल्ट है या ये चैप्टर डिफिकल्ट है तो कुछ नहीं होने वाला सो बेटर गाइस जस्ट कीप योर सेल्फ हेल्थी पॉजिटिव रखिए अपने आप को और मतलब फटाफट पढ़ाई करिए अच्छे से करिए करके हो जाएगा मैं बताऊं ना इस बार हो जाएगा और एक और चीज बता दू इस बार का एग्जाम जो मे टू का हो रहा है उसका रिजल्ट अच्छा रहेगा रिजल्ट अच्छा रहेगा उसके पीछे का मेन रीजन एक ये भी है कि आप जो कॉम्पिट कर रहे हो ना उसमें टेन परसेंट ऐसे लोग तो है ही नहीं जो फर्स्ट अटेम्प में पहले सीए बने थे बिकॉज क्या होता है ना एक बात बताऊ आपको पता है मे टू थाउजेंड ट्वेंटी का एग्जाम नहीं हुआ था तो मे टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी का एग्जाम नहीं हुआ था सीए तो इंटर का तो सी इंटर का एग्जाम नहीं हुआ तो वो वाला क्राउड तो है ही नहीं यहाँ पे तो यहां पे जो आप कॉम्पिट कर रहे हो वो मोस्टली इसमें रिपीटर स्टूडेंट्स है या फिर वो वाले स्टूडेंट है ना जिसको पता है भगवान ने एक अलग ही दिमाग दे रखा होता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं आपने देखा होगा जिनको भगवान ने गजब ही अलग ही तरह का दिमाग दे रखा है कि वो तो एग्जाम लिखेंगे तो पास हो जाएंगे वैसे आपके ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स भी रहेंगे जो एग्जाम लिखेंगे और पास हो जाएंगे तो वो लोग जो है ना वो लोग इसमें एग्जाम नहीं दे रहे क्योंकि मे 2020 का एग्जाम हुआ नहीं इंटरमीडिएट का तो वो जो फ्रेश क्राउड आता है ना कि फर्स्ट किस्ट पास होने वाले वो नहीं दे रहे तो आप ये अच्छी खबर है ऐसा बोल सकते हो आप अपने आप को थोड़ा सा पुश कर लो इस बार आराम से हम क्लियर हो जाएंगे थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा कर लो ठीक है चलिए गाइज इतना बहुत है आज के लिए कल कंटिन्यू करते हैं किसी और रिविजन लेक्चर के साथ थैंक्स अलॉट पीपल दैट्स फॉर टूडे फ्रॉम माई साइड बाय टेक केयर